रोजाना बहुत सारी कमाल की सीरीज़ आती रहती है और कुछ ऐसी भी होती है जिनकी अगर हम कोई क्लिप देखते हैं तो फिर बाद में उस पूरी सीरीज़ को देखने का डिसाइड करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं इस सीरीज़ के बारे में जान क्या है या फिर आपने कोई वीडियो देखा है तो बिंदा सा आप लोग मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ ये सीरीज़ हिंदी में आपको कहाँ पर मिलेंगी कितने इसके एपिसोड है क्या ये अवेलेबल है या नहीं यूट्यूब पर मिलेंगी या नहीं ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के बारे में वीडियो के अंदर बताऊंगा तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इसे इंजॉय कर पाए तो दोस्तों अगर बात करें सीरीज़ के बारे में तो इसका नाम है हसरत 2022 में से रिलीज़ कराया गया था और पहली बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इसे जो है फैमिली का साथ नहीं देख सकते हैं क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर आपको जो कुछ भी दिखाया गया है इसे अगर आप अकेले देख लीजिए तो ये अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है हालांकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप अगर इसे देखेंगे तो आप समझ जाएंगे अब यहाँ पर बात करते हैं कि हम इसे हिंदी में कहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसका जो एक सीजन है वो अवेलेबल है और आप इसे देख सकते हैं हंगामा प्ले ऐप पे जाके जी हाँ आपने सही सुना ये जो है आपको मिलेगा हंगामा प्ले ऐप पे जहाँ पर आप इसे बेहद ही अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं और अच्छी बात ये है कि आप इसके कुछ एपिसोड फ्री में देख पाए पर इसके बाद आपके पास प्रीमियम प्लान होना ज़रूरी है फिर आप उसे जो है एक्सेस कर पाएंगे तो अभी जाइए हंगामा प्ले ऐप पे वहाँ पर जाकर इस कमाल के शो को देखिए ये आपको कैसा लगता है फिर आप मुझे बताइए जो लिड है इसके अंदर आपको शिल्पा तुसलाकर अदा खान कृष्णा मुखर्जी बीन रहना सना सैयद मोनालिसा रवि भाटिया सुनील भार्गव आयुष आनंद सिद्धार्थ शर्मा साहिल उपल बेशक आप में से बहुत लोग इनके बारे में नहीं जानते होंगे क्योंकि यहाँ पर जो काफ्टिंग है एकदम नई है इससे पहले इसका यूट्यूब पर एक ट्रेलर भी अवेलेबल है अगर आप देखना चाहें तो उसे भी देख सकते हैं फिर आप लोग पूरी सीरीज़ को देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर हम बात करें मूवी के बारे में या फिर सीरीज़ के बारे में तो दोस्तों अगर आप इसके जो सभी जो पार्ट्स है अगर आप इन्हें मार्च पे कर लेंगे तो इसका रन टाइम भी लगभग एक मूवी के समान है हालांकि इसके बहुत सारे एपिसोड अवेलेबल हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ही आपको मिल जाएंगे जैसे कि हंगामा प्ले ऐप पर भी है जी पे भी है आप दोनों जगह से देख सकते हैं और हो सकता है कि दोनों अलग अलग निकले या फिर एक ही हो खैर मैंने इसे पूरा नहीं देखा है मैं आपको कुछ यहाँ पर मोटी मोटी बातें इसके बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि दोस्तों इस नाम से बहुत सारी जो है वो फ़िल्में भी उपलब्ध है और कुछ मूवीज़ भी आपको देखने को मिल जाएंगी हालांकि इसके रिव्यू दोस्तों मिक्स आए थे जो आई है वहाँ पर भी इसे एक एवरेज स्कोर मिला हुआ है और ऐसे दोस्तों बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल हैं पर हम अभी इसके जो है वो कुछ एपिसोड के बारे में बात करेंगे और ऐसी एक मूवी भी उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं हालांकि जो जी फाइव पर अवेलेबल है वो कोई और सीरीज़ है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो जो हंगामा प्ले ऐप है वहाँ पर देखिए तो आपको शायद ये ओरिजिनल देखने को मिले इसके अंदर लगभग आपको पाँच एपिसोड देखने को मिलेंगे और इसका एक ही सीजन अवेलेबल है बाकी जो असरत है उसके नाम से कुछ और सीरीज़ भी उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं पर वो मुझे लगता नहीं कि आप उन्हें देखेंगे क्योंकि आप कुछ और देखना चाहते हैं जो कि मैं समझ चुका हूँ अब बात करते हैं आगे इसके कुछ रिव्यूज़ के बारे में और कहानी के बारे में कि कहानी यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलती है तो हालांकि आपने बहुत सारे ऐसे सीरीज़ देखे होगी जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हैं जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है या फिर कुछ आपको दिखाया जाता है तो इसके एपिसोड बहुत ही अच्छे हैं कुछ एपिसोड ऐसे हैं जो आपको बोर नहीं कराएंगे और आप अगर इसे जो देखने बैठेंगे तो ये आपको इतना बोर नहीं कराती है काफ्टिंग भी इसकी ज़बरदस्त है और जो कहानी भी इसके चलती रहती है वो अच्छी है ऐसा नहीं कि आपको हर एपिसोड के अंदर कुछ नया देखने को मिले लगभग एपिसोड के अंदर आपको कहानी वहाँ से देखने को मिलती जहाँ से एंड हो भी थी खैर इसे तो आप अभी के लिए हंगामा प्लेट पे देख सकते हैं यूट्यूब पर ये आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि दोस्त इसकी वजह शायद आप लोग जानते ही हैं कि जो ये प्लेटफॉर्म है हंगामा यूट्यूब पर इसे जो है वो रिलीज़ नहीं करेंगे जो इसकी दोस्तों जो लीड कहानी इसके अंदर आपको ये दिखाया है कि हसरत एक संकलन है जो पांच वास्तविक महिलाओं के जीवन का पता लगाते हैं जो अपनी कामुकता और इच्छा को पता करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं अब वो क्यों वो तो आपको आगे ही मालूम पड़ेगा पर फ़िलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पर जो आपको कहानी दिखाई जाती है वो अच्छी है फिर यहाँ पर होता यू हो है कि इनकी जो इच्छा है पता लगाने के लिए वो पुरुषवादी वर्जना के सब बंधनों को तोड़ती हैं और बस कुछ अड़ों के जो सच्चे जुनून का अनुभव करने के लिए वे समाज परिवार और उनके जीवन को प्रभावित करने और अन्य कार को द्वारा उत्पन्न सभी बाधाओं को चुनौतियाँ का सामना करती है और उनके लिए तैयारी भी होती है दोस्तों जो हर इंसान है उसकी कहानी अलग होती है और उनकी पसंद भी अलग होती है यहाँ पर आपको जो एपिसोड देखने को मिलते हैं इनमें से अलग अलग नाम यहाँ पे दिए गए हैं वैसे सभी एपिसोड आपको वहीं पर मिल जाएंगे जहाँ पर मैंने आपको कहा है लगभग पाँच एपिसोड यहाँ पर अवेलेबल है और ये जो है अगर आप मार्च करेंगे तो मूवी का जितना ही रन टाइम हो जाएगा जो पहला एपिसोड है इसका नाम यहाँ पे दिया गया था सरारत बाई दूसरा यहाँ पर इज्जत के नाम से तीसरा यहाँ पे खिलौना चौथा प्लम्बर और एक लाफ्त वाला शादी मुबारक पर इनमें से सबसे अच्छा जो एपिसोड मुझे लगा था वो ये लगा था शादी मुबारक वाला जो बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर आपको हर एपिसोड के अंदर एक नई कहानी देखने को मिलेंगी तो इस कमाल की जो सीरीज़ है इसे अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार आप इसे देख सकते हैं यह आपको दोस्तों हंगामा प्ले ऐप पे मिलेंगी जहाँ पर आप इसे देख सकते हैं जो इसका पांचवा जो एपिसोड है इसके अंदर आपको यही दिखाया गया है जो यहाँ पर जो लीड काफ्ट है हर एपिसोड आपको जो नई कास्टिंग देखने को मिलती है और यहाँ पर भी जो है वो पांचवा जो एपिसोड है जो कि सबसे फेमस है और लोग जो जो खूब पसंद किए थे तो वहाँ लेड काफ्ट होती है इसका नाम आरती होता है और वो एक आदर्श भारतीय लड़की है और करते हुए निष्ठ बेटी भी है लेकिन उनकी कुछ यहाँ पर जो है वो वह अनकी इच्छाएँ भी होती हैं जो उनके दोस्तों की शरारती बातों और कॉलेज की बस यात्राओं के दौरान एक मुख्य प्रसंग मयंक दैनिक ध्यान से प्रेरित होती हैं और हालांकि दोस्तों हर किसी की पसंद अलग होती है आप इस मूवी को देखेंगे तो समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ दोस्तों इस कमाल की मूवी को देखिए ये आपको कैसे लगती है मुझे बताइए फ़िलहाल ये आपको हंगामा प्ले ऐप पर मिल जाएंगे इसके पाँचों एपिसोड अवेलेबल हैं और इसकी जो वन मंथ की सब्सक्रिप्शन है वो आपको नाइन्टी रुपीज़ की बढ़ेंगी मतलब लगभग सौ रुपये की बढ़ेंगी रोजाना बहुत सारी कमाल की सीरीज़ आती रहती है और कुछ ऐसी भी होती है जिनकी अगर हम कोई क्लिप देखते हैं तो फिर बाद में उस पूरी सीरीज़ को देखने का डिसाइड करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं इस सीरीज़ के बारे में जान के आए या फिर आपने कोई वीडियो देखा है तो बिंदास आप लोग मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ ये सीरीज़ हिंदी में आपको कहाँ पर मिलेंगी कितने इसके एपिसोड है क्या ये फ्री अवेलेबल है या नहीं यूट्यूब पर मिलेंगे या नहीं ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के बारे में वीडियो के अंदर बताऊंगा तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इसे इंजॉय कर पाए तो दोस्तों अगर बात करें सीरीज़ के बारे में तो इसका नाम है हसरत दो में इसे रिलीज़ कराया गया था और पहली बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसे जो है फैमिली का जात नहीं देख सकते हैं क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर आपको जो कुछ भी दिखाया गया है इसे अगर आप अकेले देख लीजिए तो ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है हालांकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप अगर इसे देखेंगे तो आप समझ जाएंगे अब यहाँ पर बात करते हैं कि हम इसे हिंदी में कहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसका जो एक सीजन है वो अवेलेबल है और आप इसे देख सकते हैं हंगामा प्ले ऐप पे जाके जी हाँ आपने सही सुना ये जो है आपको मिलेगा हंगामा प्ले ऐप पे जहाँ पर आप इसे बेहद ही अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं और अच्छी बात यह है कि आप इसके कुछ एपिसोड फ्री में देख पाए पर इसके बाद आपके पास प्रीमियम प्लान होना ज़रूरी है फिर आप उसे जो है एक्सेस कर पाएंगे तो अभी जाइए हंगाम अपने ऐप पे वहाँ पर जाकर इस कमाल की शो को देखिए यह आपको कैसा लगता है फिर आप मुझे बताइए जो लिड कास्ट है इसके अंदर आपको शिल्पा टुसलाकर अदा खान क्रिश्ता मुखर्जी बीन राना सना सैयद मोनालिसा रवि भाटिया सुनील भार्गव आयुष आनंद सिद्धार्थ शर्मा साहिल उपल बेश आप में से बहुत लोग इनके बारे में नहीं जानते होंगे क्योंकि यहाँ पर जो कास्टिंग है एकदम नई है इससे पहले इसका यूट्यूब पर एक ट्रेलर भी अवेलेबल है अगर आप देखना चाहें तो उसे भी देख सकते हैं फिर आप लोग पूरी सीरीज़ को देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर हम बात करें मूवी के बारे में या फिर सीरीज़ के बारे में तो दोस्तों अगर आप इसके जो सभी जो पार्ट्स है अगर आप इन्हें मार्च पर कर लेंगे तो इसका रन टाइम भी लगभग एक मूवी के समान है हालांकि इसके बहुत सारे एपिसोड अवेलेबल हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये आपको मिल जाएंगे जैसे कि हंगामा प्ले ऐप पर भी है जी पे भी है आप दोनों जगह से देख सकते हैं और हो सकता है कि दोनों अलग अलग, अलग निकले या फिर एक ही हो खैर मैंने इसे पूरा नहीं देखा है मैं आपको कुछ यहाँ पर मोटी मोटी बातें इसके बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि दोस्तों इस नाम से बहुत सारी जो है वो फ़िल्में भी उपलब्ध है और कुछ मूवीज़ भी आपको देखने को मिल जाएंगी हालांकि इसके रिव्यू दोस्तों मिक्स आए थे जो आईएमडीबी है वहां पर भी इसे एक एवरेज स्कोर मिला हुआ है और ऐसे दोस्तों बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल हैं पर हम अभी इसके जो है वो कुछ एपिसोड के बारे में बात करेंगे और ऐसी एक मूवी भी उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं हालांकि जो जी फाइव अवेलेबल है वो कोई और सीरीज़ है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो जो हंगामा प्ले ऐप है वहाँ पर देखिए तो आपको शायद ये ओरिजिनल देखने को मिले इसके अंदर लगभग आपको पाँच एपिसोड देखने को मिलेगी और इसका एक ही सीजन अवेलेबल है बाकी जो हसरत है उसके नाम से कुछ और सीरीज़ भी उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं पर वो मुझे लगता नहीं कि आप उन्हें देखेंगे क्योंकि आप कुछ और देखना चाहते हैं जो कि मैं समझ चुका हूँ अब बात करते हैं आगे इसके कुछ रिव्यूज़ के बारे में और कहानी के बारे में कि कहानी यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलती है तो हालाँकि आपने बहुत सारी ऐसी सीरीज़ देखी होगी जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हैं जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है या फिर कुछ आपको दिखाया जाता है तो इसके एपिसोड बहुत ही अच्छे हैं कुछ एपिसोड ऐसे हैं जो आपको बोर नहीं कराएंगे और आप अगर इसे जो देखने बैठेंगे तो ये आपको इतना बोर नहीं कराती है काफ्टिंग भी इसकी ज़बरदस्त है और जो कहानी भी इसकी चलती रहती है वो अच्छी है ऐसा नहीं कि आपको हर एपिसोड के अंदर कुछ नया देखने को मिले लगभग एपिसोड के अंदर आपको कहानी वहाँ से देखने को मिलती जहाँ से एंड हुई थी खैर इसे तो आप अभी के लिए हंगामा प्ले ऐप पर देख सकते हैं यूट्यूब पर ये आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि दोस्त इसकी वजह शायद आप लोग जानते ही हैं कि जो ये प्लेटफॉर्म है हंगामा यूट्यूब पर इसे जो है वो रिलीज़ नहीं करेंगे जो इसकी दोस्तों जो लीड कहानी इसके अंदर आपको ये दिखाया है कि हसरत एक संकलन है जो पांच वास्तविक महिलाओं के जीवन का पता लगाते हैं जो अपनी कामुकता और इच्छा को पता करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं अब वो क्यों वो तो आपको आगे ही मालूम पड़ेगा पर फिलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पर जो आपको कहानी दिखाई जाती है वो अच्छी है फिर यहाँ पर होता यू हो है कि लग इनकी जो इच्छा पता लगाने के लिए वो पुरुषवादी वर्जना के सब बंधनों को तोड़ती है और बस कुछ अड़ों के जो सच्चे जुनून का अनुभव करने के लिए वे समाज परिवार और उनके जीवन को प्रभावित करने और अन्य कार को द्वारा उत्पन्न सभी बाधाओं को चुनौतियाँ का सामना करती हैं और उनके लिए तैयार भी होती है दोस्तों जो हर इंसान है उसकी कहानी अलग होती है और उनकी पसंद भी अलग होती है यहाँ पर आपको जो एपिसोड देखने को मिलते हैं इनमें से अलग अलग नाम यहाँ पे दिए गए हैं वैसे सभी एपिसोड आपको वहीं पर मिल जाएंगे जहाँ पर मैंने आपको कहा है लगभग पाँच एपिसोड यहाँ पे अवेलेबल है और ये जो है अगर आप मार्च करेंगे तो मूवी का जितना ही रन टाइम हो जाएगा जो पहला एपिसोड है इसका नाम यहाँ पर दिया गया था सरारत बाई दूसरा यहाँ पर इज्जत के नाम से है तीसरा यहाँ पर खिलौना चौथा प्लम्बर और एक लाफ्ट वाला शादी मुबारक पर इनमें से सबसे अच्छा जो एपिसोड मुझे लगा था वो ये लगा था शादी मुबारक वाला जो बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर आपको हर एपिसोड के अंदर एक नई कहानी देखने को मिलेंगी तो इस कमाल की जो सीरीज़ है इसे अगर, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार आप इसे देख सकते हैं ये आपको दोस्तों हंगामा प्ले ऐप पर मिलेंगी जहाँ पर आप इसे देख सकते हैं जो इसका पाँचवा जो एपिसोड है इसके अंदर आपको यही दिखाया गया है जो यहाँ पर जो लीड कास्ट है हर एपिसोड आपको जो एक नई कास्टिंग देखने को मिलती है और यहाँ पर भी जो है वो पाँचवा जो एपिसोड है जो कि सबसे फेमस है और लोग जो जो खूब पसंद किए थे तो लेट काफ्ट होती है इसका नाम आरती होता है और वो एक आदर्श भारतीय लड़की है और करते हुए बेटी भी है लेकिन उनकी कुछ यहाँ पर जो है वह अनकी इच्छाएँ भी होती हैं जो उनके दोस्तों की शरारती बातों और कॉलेज की बस यात्राओं के दौरान एक मुख्य प्रसंग मयंक दैनिक ध्यान से प्रेरित होती है और हालांकि दोस्तों हर किसी की पसंद अलग होती है आप इस मूवी को देखेंगे तो समझ जाएंगे मैं क्या ना क्या चाहता हूँ दोस्तों इस कमाल की मूवी को देखिए ये आपको कैसे लगती है मुझे बताइए फ़िलहाल ये आपको हंगामा प्ले ऐप पे मिल जाएंगे इसके पाँच एपट अवेलेबल हैं और इसकी जो वन मंथ की सब्सक्रिप्शन है वो आपको नाइन्टी रुपीज़ की बढ़ेंगी मतलब लगभग सौ रुपये की बढ़ेंगी रोज़ाना बहुत सारी कमाल की सीरीज़ आती रहती है और कुछ ऐसी भी होती है जिनकी अगर हम कोई क्लिप देखते हैं तो फिर बाद में उस पूरी सीरीज़ को देखने का डिसाइड करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं इस सीरीज़ के बारे में जान क्या है या फिर आपने कोई वीडियो देखा है तो बिंदा सा आप लोग मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ ये सीरीज़ हिंदी में आपको कहाँ पर मिलेंगी कितने इसके एपिसोड है क्या ये फ्री अवेलेबल है या नहीं यूट्यूब पर मिलेंगी या नहीं ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के बारे में वीडियो के अंदर बताऊंगा तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इसे इन्जॉय कर पाए तो दोस्तों अगर बात करें सीरीज़ के बारे में तो इसका नाम है हसरत 2022 में से रिलीज़ कराया गया था और पहली बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इसे जो है फैमिली का साथ नहीं देख सकते हैं क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर आपको जो कुछ भी दिखाया गया है इसे अगर आप अकेले देख लीजिए तो ये अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है हालांकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप अगर इसे देखेंगे तो आप समझ जाएँगे अब यहाँ पर बात करते हैं कि हम इसे हिंदी में कहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसका जो एक सीज़न है वो अवेलेबल है और आप इसे देख सकते हैं हंगामा प्ले ऐप पे जाके जी हाँ आपने सही सुना ये जो है आपको मिलेगा हंगामा प्ले ऐप पे जहाँ पर आप इसे बेहद ही अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं और अच्छी बात ये है कि आप इसके कुछ एपिसोड फ्री में देख पाए पर इसके बाद आपके पास प्रीमियम प्लान होना ज़रूरी है फिर आप उसे जो है एक्सेस कर पाएंगे तो अभी जाइए हंगामा प्ले ऐप पे वहाँ पर जाकर इस कमाल के शो को देखिए ये आपको कैसा लगता है फिर आप मुझे बताइए जो लिड काफ्ट इसके अंदर आपको शिल्पा टुस्लाकर अदा खान क्रिश्ता मुखर्जी बीन राणा सना सैयद मोनालिसा रवि भाटिया सुनील भार्गव आयुष आनंद सिद्धार्थ शर्मा साहिल उपल बेशक आप में से बहुत लोग इनके बारे में नहीं जानते होंगे क्योंकि यहाँ पर जो तो कास्टिंग है एकदम नई है इससे पहले इसका यूट्यूब पर एक ट्रेलर भी अवेलेबल है अगर आप देखना चाहें तो उसे भी देख सकते हैं फिर आप लोग पूरी सीरीज़ को देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर हम बात करें मूवी के बारे में या फिर सीरीज़ के बारे में तो दोस्तों अगर आप इसके जो सभी जो पार्ट से अगर आप इन्हें मार्च पर कर लेंगे तो इसका रन टाइम भी लगभग एक मूवी के समान है हालांकि इसके बहुत सारे एपिसोड अवेलेबल हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये आपको मिल जाएंगे जैसे कि हंगामा प्ले ऐप पर भी है जी फाइव भी है आप दोनों जगह से देख सकते हैं और हो सकता है कि दोनों अलग अलग निकले या फिर एक ही हो खैर मैंने इसे पूरा नहीं देखा है मैं आपको कुछ यहाँ पर मोटी मोटी बातें इसके बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि दोस्तों इस नाम से बहुत सारी जो है वो फ़िल्में भी उपलब्ध है और कुछ मूवीज़ भी आपको देखने को मिल जाएंगी हालांकि इसके रिव्यू दोस्तों मिक्स आए थे जो आई है वहाँ पर भी इसे एक एवरेज स्कोर मिला हुआ है और ऐसे दोस्तों बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल हैं पर हम अभी इसके जो है वो कुछ एपिसोड के बारे में बात करेंगे और ऐसी एक मूवी भी उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं हालांकि जो जी फाइव पर अवेलेबल है वो कोई और सीरीज़ है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो जो हंगामा प्ले ऐप है वहाँ पर देखिए तो आपको शायद ये ओरिजिनल देखने को मिले इसके अंदर लगभग आपको पाँच एपिसोड देखने को मिलेंगे और इसका एक ही सीजन अवेलेबल है बाकी जो असरत है उसके नाम से कुछ और सीरीज़ भी उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं पर वो मुझे लगता नहीं कि आप उन्हें देखेंगे क्योंकि आप कुछ और देखना चाहते हैं जो कि मैं समझ चुका हूँ अब बात करते हैं आगे इसके कुछ रिव्यूज़ के बारे में और कहानी के बारे में कि कहानी यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलती है तो हालांकि आपने बहुत सारे ऐसे सीरीज़ देखे होगी जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हैं जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है या फिर कुछ आपको दिखाया जाता है तो इसके एपिसोड बहुत ही अच्छे हैं कुछ एपिसोड ऐसे हैं जो आपको बोर नहीं कराएंगे और आप अगर इसे जो देखने बैठेंगे तो ये आपको इतना बोर नहीं कराती है काफ्टिंग भी इसकी ज़बरदस्त है और जो कहानी भी इसके चलती रहती है वो अच्छी है ऐसा नहीं कि आपको हर एपिसोड के अंदर कुछ नया देखने को मिले लगभग एपिसोड के अंदर आपको कहानी वहाँ से देखने को मिलती जहाँ से एंड हो गई थी खैर इसे तो आप अभी के लिए हंगामा प्लेट पे देख सकते हैं यूट्यूब पर ये आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि दोस्त इसकी वजह शायद आप लोग जानते ही हैं कि जो ये प्लेटफॉर्म है हंगामा यूट्यूब पर इसे जो है वो रिलीज़ नहीं करेंगे जो इसकी दोस्तों जो तो लीड कहानी इसके अंदर आपको ये दिखाया है कि हसरत एक संकलन है जो पांच वास्तविक महिलाओं के जीवन का पता लगाते हैं जो अपनी कामुकता और इच्छा को पता करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं अब वक्त है क्यों वो तो आपको आगे ही मालूम पड़ेगा पर फिलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पर जो आपको कहानी दिखाई जाती है वो अच्छी है फिर यहाँ पर होता यू हो है कि लग इनकी जो इच्छा है पता लगाने के लिए वो पुरस्वादी वर्जना के सब बंधनों को तोड़ती है और बस कुछ क्षणों के जो सच्चे जुनून का अनुभव करने के लिए वे समाज परिवार और उनके जीवन को प्रभावित करने और अन्य कार्य को द्वारा उत्पन्न सभी बाधाओं को चुनौतियाँ का सामना करती है और उनके लिए तैयारी भी होती है दोस्तों जो हर इंसान है उसकी कहानी अलग होती है और उनकी पसंद भी अलग होती है यहाँ पर आपको जो एपिसोड देखने को मिलते हैं इनमें से अलग अलग नाम यहाँ पे दिए गए हैं वैसे सभी एपिसोड आपको वहीं पर मिल जाएंगे जहाँ पर मैंने आपको कहा है लगभग पाँच एपिसोड यहाँ पे अवेलेबल है और ये जो है अगर आप मार्च करेंगे तो मूवी का जितना ही रेन टाइम हो जाएगा जो पहला एपिसोड है इसका नाम यहाँ पर दिया गया था सरारत बाई दूसरा यहाँ पर इज्ज़त के नाम से है तीसरा यहाँ पर खिलौना चौथा प्लंबर और एक लास्ट वाला शादी मुबारक पर इनमें से सबसे अच्छा जो एपिसोड मुझे लगा था वो ये लगा था शादी मुबारक वाला जो बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर आपको हर एपिसोड के अंदर एक नई कहानी देखने को मिलेंगी तो इस कमाल की जो सीरीज़ है इसे अगर, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार आप इसे देख सकते हैं ये आपको दोस्तों हंगामा प्ले ऐप पर मिलेंगी जहाँ पर आप इसे देख सकते हैं जो इसका पाँचवा जो एपिसोड है इसके अंदर आपको यही दिखाया गया है जो यहाँ पर जो लीड कास्ट है हर एपिसोड पर आपको जो एक नई काफ्ट देखने को मिलती है और यहाँ पर भी जो है वो पाँचवा जो एपिसोड है जो कि सबसे फेमस है और लोग जो जो खूब पसंद किए थे तो वहाँ लेट होती है इसका नाम आरती होता है और वो एक आदर्श भारतीय लड़की है और करते हुए निष्ठ बेटी भी है लेकिन उनकी कुछ यहाँ पर जो है वह अनक इच्छाएँ भी होती हैं जो उनके दोस्तों की शरारती बातों और कॉलेज की बस यात्राओं के दौरान एक मुख्य प्रसंग मयंक दैनिक ध्यान से प्रेरित होती है और हालांकि दोस्तों हर किसी की पसंद अलग होती है आप इस मूवी को देखेंगे तो समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ दोस्तों इस कमाल की मूवी को देखिए ये आपको कैसे लगती है मुझे बताइए फ़िलहाल ये आपको हंगामा प्ले ऐप पर मिल जाएंगे इसके पाँच सौ एपीफूट अवेलेबल हैं और इसकी जो वन मंथ की सब्सक्रिप्शन है वो आपको नाइन्टी रुपीज़ की बढ़ेंगी मतलब लगभग सौ रुपये की बढ़ेंगी रोज़ाना बहुत सारी कमाल की सीरीज आती रहती है और कुछ ऐसी भी होती है जिनकी अगर हम कोई क्लिप देखते हैं तो फिर बाद में उस पूरी सीरीज़ को देखने का डिसाइड करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं इस सीरीज़ के बारे में जान के आए हैं या फिर आपने कोई वीडियो देखा है तो बिंदा सा आप लोग मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ ये सीरीज़ हिंदी में आपको कहाँ पर मिलेंगी कितने इसके एपिसोड है क्या ये अवेलेबल है या नहीं यूट्यूब पर मिलेंगी या नहीं ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के बारे में वीडियो के अंदर बताऊँगा तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इसे इंजॉय कर पाए तो दोस्तों अगर बात करें सीरीज़ के बारे में तो इसका नाम है हसरत 2022 में से रिलीज़ कराया गया था और पहली बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इसे जो है फैमिली का साथ नहीं देख सकते हैं क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर आपको जो कुछ भी दिखाया गया है इसे अगर आप अकेले देख लिए तो यही अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है हालांकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप अगर इसे देखेंगे तो आप समझ जाएंगे अब यहाँ पर बात करते हैं कि हम इसे हिंदी में कहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसका जो एक सीज़न है वो अवेलेबल है और आप इसे देख सकते हैं हंगामा प्ले ऐप पे जाके जी हाँ आपने सही सुना ये जो है आपको मिलेगा हंगामा प्ले ऐप पे जहाँ पर आप इसे बेहद ही अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं और अच्छी बात ये है कि आप इसके कुछ एपिसोड फ्री में देख पाए पर इसके बाद आपके पास प्रीमियम प्लान होना ज़रूरी है फिर आप उसे जो है एक्सेस कर पाएंगे तो अभी जाइए हंगामा प्ले ऐप पे वहाँ पर जाकर इस कमाल के शो को देखिए ये आपको कैसा लगता है फिर आप मुझे बताइए जो लिड कास्ट काफ्ट इसके अंदर आपको शिल्पा तुसलाकर अदा खान कृष्णा मुखर्जी बीन राना सना सैयद मोनालिसा रवि भाटिया सुनील भार्गव आयुष आनंद सिद्धार्थ शर्मा साहिल उपल बेशक आप में से बहुत लोग इनके बारे में नहीं जानते होंगे क्योंकि यहाँ पर जो कास्टिंग है एकदम नई है इससे पहले इसका यूट्यूब पर एक ट्रेलर भी अवेलेबल है अगर आप देखना चाहें तो उसे भी देख सकते हैं फिर आप लोग पूरी सीरीज़ को देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर हम बात करें मूवी के बारे में या फिर सीरीज़ के बारे में तो दोस्तों अगर आप इसके जो सभी जो पार्ट से अगर आप इन्हें मार्च पे कर लेंगे तो इसका रन टाइम भी लगभग एक मूवी के समान है हालांकि इसके बहुत सारे एपिसोड अवेलेबल हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये आपको मिल जाएंगे जैसे कि हंगामा अपले ऐप पर भी है जी फाइव भी है आप दोनों जगह से देख सकते हैं और हो सकता है कि दोनों अलग अलग निकले या फिर एक ही हो खैर मैंने इसे पूरा नहीं देखा है मैं आपको कुछ यहाँ पर मोटी मोटी बातें इसके बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि दोस्तों इस नाम से बहुत सारी जो है वो फिल्में भी उपलब्ध है और कुछ मूवीज़ भी आपको देखने को मिल जाएंगी हालांकि इसके रिव्यू दोस्तों मिक्स आए थे जो आई है वहाँ पर भी इसे एक एवरेज स्कोर मिला हुआ है और ऐसे दोस्तों बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल हैं पर हम अभी इसके जो है वो कुछ एपिसोड के बारे में बात करेंगे और ऐसी एक मूवी भी उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं हालांकि जो जी फाइव पर अवेलेबल है वो कोई और सीरीज़ है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो जो हंगामा प्ले ऐप है वहाँ पर देखिए तो आपको शायद ये ओरिजिनल देखने को मिले इसके अंदर लगभग आपको पाँच एपिसोड देखने को मिलेंगे और इसका एक ही सीजन अवेलेबल है बाकी जो असरत है उसके नाम से कुछ और सीरीज़ भी उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं पर वो मुझे लगता नहीं कि आप उन्हें देखेंगे क्योंकि आप कुछ और देखना चाहते हैं जो कि मैं समझ चुका हूँ अब बात करते हैं आगे इसके कुछ रिव्यूज़ के बारे में और कहानी के बारे में कि कहानी यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलती है तो हालांकि आपने बहुत सारी ऐसी सीरीज़ देखी होगी जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हैं जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है या फिर कुछ आपको दिखाया जाता है तो इसके एपिसोड बहुत ही अच्छे हैं कुछ एपिसोड ऐसे हैं जो आपको बोर नहीं कराएंगे और आप अगर इसे जो देखने बैठेंगे तो ये आपको इतना बोर नहीं कराती है काफ्टिंग भी इसकी ज़बरदस्त है और जो कहानी भी इसके चलती रहती है वो अच्छी है ऐसा नहीं कि आपको हर एपिसोड के अंदर कुछ नया देखने को मिले लगभग एपिसोड के अंदर आपको कहानी वहाँ से देखने को मिलती जहाँ से एंड हो थी खैर इसे तो आप अभी के लिए हंगामा प्लेट पे देख सकते हैं यूट्यूब पर ये आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि दोस्त इसकी वजह शायद आप लोग जानते ही हैं कि जो ये प्लेटफॉर्म है हंगामा यूट्यूब पर इसे जो है वो रिलीज़ नहीं करेंगे जो इसकी दो जो तो लीड कहानी इसके अंदर आपको ये दिखाया है कि हसरत एक संकलन है जो पाँच वास्तविक महिलाओं के जीवन का पता लगाते हैं जो अपनी कामुकता और इच्छा को पता करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं अब वक्त क्यों वो तो आपको आगे ही मालूम पड़ेगा पर फ़िलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पर जो आपको कहानी दिखाई जाती है वो अच्छी है फिर यहाँ पर होता यू हो है कि लग वो इनकी जो इच्छा पता लगाने के लिए वो पुरुषवादी वर्जना के सब बंधनों को तोड़ती है और बस कुछ क्षणों के जो सच्चे जुनून का अनुभव करने के लिए वे समाज परिवार और उनके जीवन को प्रभावित करने और अन्य कार को द्वारा उत्पन्न सभी बाधाओं को चुनौतियाँ का सामना करती हैं और उनके लिए तैयारी भी होती है दोस्तों जो हर इंसान है उसकी कहानी अलग होती है और उनकी पसंद भी अलग होती है यहाँ पर आपको जो एपिसोड देखने को मिलते हैं इनमें से अलग अलग नाम यहाँ पे दिए गए हैं वैसे सभी एपिसोड आपको वहीं पर मिल जाएंगे जहाँ पर मैंने आपको कहा है लगभग पाँच एपिसोड यहाँ पे अवेलेबल है और ये जो है अगर आप मार्च करेंगे तो मूवी का जितना ही रेन टाइम हो जाएगा जो पहला एपिसोड है इसका नाम यहाँ पर दिया गया था सरारत बाई दूसरा यहाँ पर इज्ज़त के नाम से तीसरा यहाँ पर खिलौना चौथा प्लंबर और एक लास्ट वाला शादी मुबारक पर इनमें से सबसे अच्छा जो एपिसोड मुझे लगा था वो ये लगा था शादी मुबारक वाला जो बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर आपको हर एपिसोड के अंदर एक नई कहानी देखने को मिलेंगी तो इस कमाल की जो सीरीज़ है इसे अगर, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार आप इसे देख सकते हैं ये आपको दोस्तों हंगामा प्ले ऐप पे मिलेंगी जहाँ पर आप इसे देख सकते हैं जो इसका पांचवा जो एपिसोड है इसके अंदर आपको यही दिखाया गया है जो यहाँ पर जो लीड कास्ट है हर एपिसोड पर आपको जो एक नई काफ्टिंग देखने को मिलती है और यहाँ पर भी जो है वो पाँचवा जो एपिसोड है जो कि सबसे फेमस है और लोग जो जो खूब पसंद किए थे तो वहाँ लेडकाफ्ट होती है इसका नाम आरती होता है और वो एक आदर्श भारतीय लड़की है और करते हुए निष्ठ बेटी भी है लेकिन उनकी कुछ यहाँ पर जो है वो वह अनकी इच्छाएँ भी होती हैं जो उनके दोस्तों की शरारती बातों और कॉलेज की बस यात्राओं के दौरान एक मुख्य प्रसंग मयंक दैनिक ध्यान से प्रेरित होती हैं और हालांकि दोस्तों हर किसी की पसंद अलग होती है आप इस मूवी को देखेंगे तो समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ दोस्तों इस कमाल की मूवी को देखिए ये आपको कैसी लगती है मुझे बताइए फ़िलहाल ये आपको हंगामा प्ले ऐप पे मिल जाएंगे इसके पाँचों एपिसोड अवेलेबल हैं और इसकी जो वन मंथ की सब्सक्रिप्शन है वो आपको नाइन्टी रुपीज़ की बढ़ेंगी मतलब लगभग सौ रुपये की बढ़ेंगी रोज़ाना बहुत सारी कमाल की सीरीज़ आती रहती है और कुछ ऐसी भी होती है जिनकी अगर हम कोई क्लिप देखते हैं तो फिर बाद में उस पूरी सीरीज़ को देखने का डिसाइड करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं इस सीरीज़ के बारे में जान के आए हैं या फिर आपने कोई वीडियो देखा है तो बिंदा सा आप लोग मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ ये सीरीज़ हिंदी में आपको कहाँ पर मिलेंगी कितने इसके एपिसोड है क्या ये फ्री अवेलेबल है या नहीं यूट्यूब पर मिलेंगी या नहीं ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के बारे में वीडियो के अंदर बताऊँगा तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इसे इंजॉय कर पाए तो दोस्तों अगर बात करें सीरीज़ के बारे में तो इसका नाम है हसरत 2022 में से रिलीज़ कराया गया था और पहली बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसे जो है फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर आपको जो कुछ भी दिखाया गया है इसे अगर आप अकेले देख लीजिए तो यही अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है हालाँकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप अगर इसे देखेंगे तो आप समझ जाएँगे अब यहाँ पर बात करते हैं कि हम इसे हिंदी में कहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसका जो एक सीज़न है वो अवेलेबल है और आप इसे देख सकते हैं हंगामा प्ले ऐप पे जाके जी हाँ आपने सही सुना ये जो है आपको मिलेगा हंगामा प्ले ऐप पे जहाँ पर आप इसे बेहद ही अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं और अच्छी बात यह है कि आप इसके कुछ एपिसोड फ्री में देख पाए पर इसके बाद आपके पास प्रीमियम प्लान होना ज़रूरी है फिर आप उसे जो है एक्सेस कर पाएंगे तो अभी जाइए हंगामा प्ले ऐप पे वहाँ पर जाकर इस कमाल के शो को देखिए ये आपको कैसा लगता है फिर आप मुझे बताइए जो लिड काफ्ट इसके अंदर आपको शिल्पा टुस्लाकर अदा खान कृष्णा मुखर्जी बीन राना सना सैयद मोनालिसा रवि भाटिया सुनील भार्गव आयुष आनंद सिद्धार्थ शर्मा साहिल उपल बेशक आप में से बहुत लोग इनके बारे में नहीं जानते होंगे क्योंकि यहाँ पर जो कास्टिंग है एकदम नई है इससे पहले इसका यूट्यूब पर एक ट्रेलर भी अवेलेबल है अगर आप देखना चाहें तो उसे भी देख सकते हैं फिर आप लोग पूरी सीरीज को देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर हम बात करें मूवी के बारे में या फिर सीरीज़ के बारे में तो दोस्तों अगर आप इसके जो सभी जो पार्ट से अगर आप इन्हें मार्च पे कर लेंगे तो इसका रन टाइम भी लगभग एक मूवी के समान है हालांकि इसके बहुत सारे एपिसोड अवेलेबल है और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह आपको मिल जाएंगे जैसे कि हंगामा प्ले ऐप पर भी है जी फाइव भी है आप दोनों जगह से देख सकते हैं और हो सकता है कि दोनों अलग अलग, अलग निकले या फिर एक ही हो खैर मैंने इसे पूरा नहीं देखा है मैं आपको कुछ यहाँ पर मोटी मोटी बातें इसके बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि दोस्तों इस नाम से बहुत सारी जो है वो फिल्में भी उपलब्ध है और कुछ मूवीज़ भी आपको देखने को मिल जाएंगी हालांकि इसके रिव्यू दोस्तों मिक्स आए थे जो आई है वहाँ पर भी इसे एक एवरेज स्कोर मिला हुआ है और ऐसे दोस्तों बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल है पर हम अभी इसके जो है वो कुछ एपिसोड के बारे में बात करेंगे और ऐसी एक मूवी भी उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं हालांकि जो जी फाइव पर अवेलेबल है वो कोई और सीरीज़ है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो जो हंगामा प्ले ऐप है वहाँ पर देखिए तो आपको शायद ये ओरिजिनल देखने को मिले इसके अंदर लगभग आपको पाँच एपिसोड देखने को मिलेंगे और इसका एक ही सीजन अवेलेबल है बाकी जो असरत है उसके नाम से कुछ और सीरीज़ भी उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं पर वो मुझे लगता नहीं कि आप उन्हें देखेंगे क्योंकि आप कुछ और देखना चाहते हैं जो कि मैं समझ चुका हूँ अब बात करते हैं आगे इसके कुछ रिव्यूज़ के बारे में और कहानी के बारे में कि कहानी यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलती है तो हालांकि आपने बहुत सारी ऐसी सीरीज़ देखी होगी जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हैं जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है या फिर कुछ आपको दिखाया जाता है तो इसके एपिसोड बहुत ही अच्छे हैं कुछ एपिसोड ऐसे हैं जो आपको बोर नहीं कराएंगे और आप अगर इसे जो देखने बैठेंगे तो ये आपको इतना बोर नहीं कराती है काफ्टिंग भी इसकी ज़बरदस्त है और जो कहानी भी इसके चलती रहती है वो अच्छी है ऐसा नहीं कि आपको हर एपिसोड के अंदर कुछ नया देखने को मिले लगभग एपिसोड के अंदर आपको कहानी वहाँ से देखने को मिलती जहाँ से एंड हो भी थी खैर इसे तो आप अभी के लिए हंगामा प्लेट पे देख सकते हैं यूट्यूब पर ये आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि दोस्त इसकी वजह शायद आप लोग जानते ही हैं कि जो ये प्लेटफॉर्म है हंगामा यूट्यूब पर इसे जो है वो रिलीज़ नहीं करेंगे जो इसकी दोस्तों जो लीड कहानी इसके अंदर आपको ये दिखाया है कि हसरत एक संकलन है जो पांच वास्तविक महिलाओं के जीवन का पता लगाते हैं जो अपनी कामुकता और इच्छा को पता करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं अब वो क्यों वो तो आपको आगे ही मालूम पड़ेगा पर फिलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पर जो आपको कहानी दिखाई जाती है वो अच्छी है फिर यहाँ पर होता यू है कि लग वो इनकी जो इच्छा है पता लगाने के लिए वो पुरुषवादी वर्जना के सब बंधनों को तोड़ती है और बस कुछ अड़ों के जो सच्चे जुनून का अनुभव करने के लिए वे समाज परिवार और उनके जीवन को प्रभावित करने और अन्य कार को द्वारा उत्पन्न सभी बाधाओं को चुनौतियाँ का सामना करती हैं और उनके लिए तैयारी भी होती है दोस्तों जो हर इंसान है उसकी कहानी अलग होती है और उनकी पसंद भी अलग होती है यहाँ पर आपको जो एपिसोड देखने को मिलते हैं इनमें से अलग अलग नाम यहाँ पे दिए गए हैं वैसे सभी एपिसोड आपको वहीं पर मिल जाएंगे जहाँ पर मैंने आपको कहा है लगभग पाँच एपिसोड यहाँ पे अवेलेबल है और ये जो है अगर आप मार्च करेंगे तो मूवी का जितना ही रन टाइम हो जाएगा जो पहला एपिसोड है इसका नाम यहाँ पर दिया गया था सरारत बाई दूसरा यहाँ पर इज्ज़त के नाम से है तीसरा यहाँ पर खिलौना चौथा प्लंबर और एक लास्ट वाला शादी मुबारक और इनमें से सबसे अच्छा जो एपिसोड मुझे लगा था वो ये लगा था शादी मुबारक वाला जो बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर आपको हर एपिसोड के अंदर एक नई कहानी देखने को मिलेंगी तो इस कमाल की जो सीरीज़ है इसे अगर, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार आप इसे देख सकते हैं ये आपको दोस्तों हंगामा प्ले ऐप पे मिलेंगी जहाँ पर आप इसे देख सकते हैं जो इसका पांचवा जो एपिसोड है इसके अंदर आपको यही दिखाया गया है जो यहाँ पर जो लीड कास्ट है हर एपिसोड पर आपको जो एक नई काफ्ट देखने को मिलती है और यहाँ पर भी जो है वो पाँचवा जो एपिसोड है जो कि सबसे फेमस है और लोग जो जो को पसंद किए थे तो वहाँ लेड क्राफ्ट होती है इसका नाम आरती होता है और वो एक आदर्श भारतीय लड़की है और करते हुए निष्ठ बेटी भी है लेकिन उनकी कुछ यहाँ पर जो है वो अनगही इच्छाएँ भी होती है जो उनके दोस्तों की शरारती बातों और कॉलेज की बस यात्राओं के दौरान एक मुख्य प्रसंग मयंक दैनिक ध्यान से प्रेरित होती है और हालांकि दोस्तों हर किसी की पसंद अलग होती है आप इस मूवी को देखेंगे तो समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ दोस्तों इस कमाल की मूवी को देखिए ये आपको कैसे लगती है मुझे बताइए फ़िलहाल ये आपको हंगामा प्ले ऐप पे मिल जाएंगे इसके पाँचों एपिसोड अवेलेबल हैं और इसके जो वन मंथ की सब्सक्रिप्शन है वो आपको नाइन्टी रुपीज़ की बढ़ेंगी मतलब लगभग सौ रुपये की बढ़ेंगी रोज़ाना बहुत सारी कमाल की सीरीज़ आती रहती है और कुछ ऐसी भी होती है जिनकी अगर हम कोई क्लिप देखते हैं तो फिर बाद में उस पूरी सीरीज़ को देखने का डिसाइड करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं इस सीरीज के बारे में जान क्या है या फिर आपने कोई वीडियो देखा है तो बिंदा सा आप लोग मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ ये सीरीज़ हिंदी में आपको कहाँ पर मिलेंगी कितने इसके एपिसोड है क्या ये अवेलेबल है या नहीं यूट्यूब पर मिलेंगी या नहीं ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के बारे वीडियो के अंदर बताऊँगा तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इसे इन्जॉय कर पाए तो दोस्तों अगर बात करें सीरीज़ के बारे में तो इसका नाम है हसरत 2022 में से रिलीज़ कराया गया था और पहली बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसे जो है फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर आपको जो कुछ भी दिखाया गया है इसे अगर आप अकेले देख लीजिए तो ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है हालांकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप अगर इसे देखेंगे तो आप समझ जाएँगे अब यहाँ पर बात करते हैं कि हम इसे हिंदी में कहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसका जो एक सीज़न है वो अवेलेबल है और आप इसे देख सकते हैं हंगामा प्ले ऐप पे जाके जी हाँ आपने सही सुना ये जो है आपको मिलेगा हंगामा प्ले ऐप पे जहाँ पर आप इसे बेहद ही अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं और अच्छी बात यह है कि आप इसके कुछ एपिसोड फ्री में देख पाए पर इसके बाद आपके पास प्रीमियम प्लान होना ज़रूरी है फिर आप उसे जो है एक्सेस कर पाएंगे तो अभी जाइए हंगामा प्ले ऐप पे वहाँ पर जाकर इस कमाल के शो को देखिए ये आपको कैसा लगता है फिर आप मुझे बताइए जो लिड काफ्ट इसके अंदर आपको शिल्पा टुस्लाकर अदा खान क्रिश्ता मुखर्जी बीन राना सना सैयद मोनालिसा रवि भाटिया सुनील भार्गव आयुष आनंद सिद्धार्थ शर्मा साहिल उपल बेशक आप में से बहुत लोग इनके बारे में नहीं जानते होंगे क्योंकि यहाँ पर जो तो कास्टिंग है एकदम नई है इससे पहले इसका यूटूब पर एक ट्रेलर भी अवेलेबल है अगर आप देखना चाहें तो उसे भी देख सकते हैं फिर आप लोग पूरी सीरीज को देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर हम बात करें मूवी के बारे में या फिर सीरीज़ के बारे में तो दोस्तों अगर आप इसके जो सभी जो पार्ट से अगर आप इन्हें मार्च पे कर लेंगे तो इसका रन टाइम भी लगभग एक मूवी के समान है हालांकि इसके बहुत सारे एपिसोड अवेलेबल हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये आपको मिल जाएंगे जैसे कि हंगामा प्ले ऐप पर भी है जी फाइव भी है आप दोनों जगह से देख सकते हैं और हो सकता है कि दोनों अलग अलग, अलग निकले या फिर एक ही हो खैर मैंने इसे पूरा नहीं देखा है मैं आपको कुछ यहाँ पर मोटी मोटी बातें इसके बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि दोस्तों इस नाम से बहुत सारी जो है वो फ़िल्में भी उपलब्ध है और कुछ मूवीज़ भी आपको देखने को मिल जाएंगी हालांकि इसके रिव्यू दोस्तों मिक्स आए थे जो आईएमडीबी है वहां पर भी इसे एक एवरेज स्कोर मिला हुआ है और ऐसे दोस्तों बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल है पर हम अभी इसके जो है वो कुछ एपिसोड के बारे में बात करेंगे और ऐसी एक मूवी भी उपलब्ध है आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं हालाँकि जो जी फाइव अवेलेबल है वो कोई और सीरीज़ है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो जो हंगामा प्ले ऐप है वहाँ पर देखिए तो आपको शायद ये ओरिजिनल देखने को मिले इसके अंदर लगभग आपको पाँच एपिसोड देखने को मिलेंगे और इसका एक ही सीजन अवेलेबल है बाकी जो हसरत है उसके नाम से कुछ और सीरीज़ भी उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं पर वो मुझे लगता नहीं कि आप उन्हें देखेंगे क्योंकि आप कुछ और देखना चाहते हैं जो कि मैं समझ चुका हूँ अब बात करते हैं आगे इसके कुछ रिव्यूज़ के बारे में और कहानी के बारे में कि कहानी यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलती है तो हालांकि आपने बहुत सारी ऐसी सीरीज़ देखी होगी जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हैं जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है या फिर कुछ आपको दिखाया जाता है तो इसके एपिसोड बहुत ही अच्छे हैं कुछ एपिसोड ऐसे हैं जो आपको बोर नहीं कराएंगे और आप अगर इसे जो देखने बैठेंगे तो ये आपको इतना बोर नहीं कराती है काफ्टिंग भी इसकी ज़बरदस्त है और जो कहानी भी इसके चलती रहती है वो अच्छी है ऐसा नहीं कि आपको हर एपिसोड के अंदर कुछ नया देखने को मिले लगभग एपिसोड के अंदर आपको कहानी वहाँ से देखने को मिलती जहाँ से एंड हो गई थी खैर इसे तो आप अभी के लिए हंगामा प्लेट पे देख सकते हैं यूट्यूब पर ये आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि दोस्त इसकी वजह शायद आप लोग जानते ही हैं कि जो ये प्लेटफॉर्म है हंगामा यूट्यूब पर इसे जो है वो रिलीज़ नहीं करेंगे जो इसकी दोस्तों जो लीड कहानी इसके अंदर आपको ये दिखाया है कि हसरत एक संकलन है जो पाँच वास्तविक महिलाओं के जीवन का पता लगाते हैं जो अपनी कामुकता और इच्छा को पता करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं अब वक्त क्यों वो तो आपको आगे ही मालूम पड़ेगा पर फिलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पर जो आपको कहानी दिखाई जाती है वो अच्छी है फिर यहाँ पर होता यू हो है कि इनकी जो इच्छा पता लगाने के लिए वो पुरुषवादी वर्जना के सब बंधनों को तोड़ती है और बस कुछ क्षणों के जो सच्चे जुनून का अनुभव करने के लिए वे समाज परिवार और उनके जीवन को प्रभावित करने और अन्य कार्य को द्वारा उत्पन्न सभी बाधाओं को चुनौतियाँ का सामना करती हैं और उनके लिए तैयारी भी होती है दोस्तों जो हर इंसान है उसकी कहानी अलग होती है और उनकी पसंद भी अलग होती है यहाँ पर आपको जो एपिसोड देखने को मिलते हैं इनमें से अलग अलग नाम यहाँ पे दिए गए हैं वैसे सभी एपिसोड आपको वहीं पर मिल जाएंगे जहाँ पर मैंने आपको कहा है लगभग पाँच एपिसोड यहाँ पर अवेलेबल है और ये जो है अगर आप मार्च करेंगे तो मूवी का जितना ही रन टाइम हो जाएगा जो पहला एपिसोड है इसका नाम यहाँ पर दिया गया था सरारत बाई दूसरा यहाँ पर इज्जत के नाम से है तीसरा यहाँ पे खिलौना चौथा प्लंबर और एक लाफ्ट वाला शादी मुबारक पर इनमें से सबसे अच्छा जो एपिसोड मुझे लगा था वो ये लगा था शादी मुबारक वाला जो बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर आपको हर एपिसोड के अंदर एक नई कहानी देखने को मिलेंगी तो इस कमाल की जो सीरीज़ है इसे अगर, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार आप इसे देख सकते हैं ये आपको दोस्तों हंगामा प्ले ऐप पे मिलेंगी जहाँ पर आप इसे देख सकते हैं जो इसका पांचवा जो एपिसोड है इसके अंदर आपको यही दिखाया गया है जो यहाँ पर जो लीड कास्ट है हर एपिस आपको जो एक नई काफ्ट देखने को मिलती है और यहाँ पर भी जो है वो पाँचवा जो एपिसोड है जो कि सबसे फेमस है और लोग जो जो खूब पसंद किए थे तो वहाँ लेड क्राफ्ट होती है इसका नाम आरती होता है और वो एक आदर्श आरती लड़की है और करते हुए निष्ठ बेटी भी है लेकिन उनकी कुछ यहाँ पर जो है वह अनगही इच्छाएँ भी होती है जो उनके दोस्तों की शरारती बातों और कॉलेज की बस यात्राओं के दौरान एक मुख्य प्रसंग मयंक दैनिक ध्यान से प्रेरित होती है और हालांकि दोस्तों हर किसी की पसंद अलग होती है आप इस मूवी को देखेंगे तो समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ दोस्तों इस कमाल की मूवी को देखिए ये आपको कैसी लगती है मुझे बताइए फ़िलहाल ये आपको हंगामा प्ले ऐप पे मिल जाएंगे इसके पाँच सौ एपिसूड अवेलेबल हैं और इसके जो वन मंथ की सब्सक्रिप्शन है वो आपको नाइन्टी रुपीज़ की बढ़ेंगी मतलब लगभग सौ रुपये की बढ़ेंगी रोजाना बहुत सारी कमाल की सीरीज़ आती रहती है और कुछ ऐसी भी होती है जिनकी अगर हम कोई क्लिप देखते हैं तो फिर बाद में उस पूरी सीरीज़ को देखने का डिसाइड करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं इस सीरीज़ के बारे में जान के आए या फिर आपने कोई वीडियो देखा है तो बिंदास आप लोग मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ ये सीरीज़ हिंदी में आपको कहाँ पर मिलेंगी कितने इसके एपिसोड है क्या ये फ्री अवेलेबल है या नहीं यूट्यूब पर मिलेंगी या नहीं ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के बारे में वीडियो के अंदर बताऊंगा तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इसे इन्जॉय कर पाए तो दोस्तों अगर बात करें सीरीज़ के बारे में तो इसका नाम है हसरत 2022 में से रिलीज़ कराया गया था और पहली बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इसे जो है फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर आपको जो कुछ भी दिखाया गया है इसे अगर आप अकेले देख लीजिए तो ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है हालांकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप अगर इसे देखेंगे तो आप समझ जाएँगे अब यहाँ पर बात करते हैं कि हम इसे हिंदी में कहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसका जो एक सीज़न है वो अवेलेबल है और आप इसे देख सकते हैं हंगामा प्ले ऐप पे जाके जी हाँ आपने सही सुना ये जो है आपको मिलेगा हंगामा प्ले ऐप पे जहाँ पर आप इसे बेहद ही अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं और अच्छी बात यह है कि आप इसके कुछ एपिसोड फ्री में देख पाए पर इसके बाद आपके पास प्रीमियम प्लान होना ज़रूरी है फिर आप उसे जो है एक्सेस कर पाएंगे तो अभी जाइए हंगामा प्ले ऐप पे वहाँ पर जाकर इस कमाल के शो को देखिए ये आपको कैसा लगता है फिर आप मुझे बताइए जो लिड काफ्ट इसके अंदर आपको शिल्पा टुस्लाकर अदा खान क्रिश्ता मुखर्जी बीन राना सना सैयद मोना लिसा रवि भाटिया सुनील भार्गव आयुष आनंद सिद्धार्थ शर्मा साहिल उपल बेशक आप में से बहुत लोग इनके बारे में नहीं जानते होंगे क्योंकि यहाँ पर जो कास्टिंग है एकदम नई है इससे पहले इसका यूट्यूब पर एक ट्रेलर भी अवेलेबल है अगर आप देखना चाहें तो उसे भी देख सकते हैं फिर आप लोग पूरी सीरीज को देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर हम बात करें मूवी के बारे में या फिर सीरीज़ के बारे में तो दोस्तों अगर आप इसके जो सभी जो पार्ट से अगर आप इन्हें मार्च पे कर लेंगे तो इसका रन टाइम भी लगभग एक मूवी के समान है हालांकि इसके बहुत सारे एपिसोड अवेलेबल हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये आपको मिल जाएंगे जैसे कि ये हंगामा अपले ऐप पर भी है जी फाइव भी है आप दोनों जगह से देख सकते हैं और हो सकता है कि दोनों अलग अलग, अलग निकले या फिर एक ही हो खैर मैंने इसे पूरा नहीं देखा है मैं आपको कुछ यहाँ पर मोटी मोटी बातें इसके बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि दोस्तों इस नाम से बहुत सारी जो है वो फ़िल्में भी उपलब्ध है और कुछ मूवीज़ भी आपको देखने को मिल जाएंगी हालांकि इसके रिव्यू दोस्तों मिक्स आए थे जो आईएमडीबी है वहां पर भी इसे एक एवरेज स्कोर मिला हुआ है और ऐसे दोस्तों बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल हैं पर हम अभी इसके जो है वो कुछ एपिसोड के बारे में बात करेंगे और ऐसी एक मूवी भी उपलब्ध है आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं हालाँकि जो जी फाइव अवेलेबल है वो कोई और सीरीज़ है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो जो हंगामा प्ले ऐप है वहाँ पर देखिए तो आपको शायद ये ओरिजिनल देखने को मिले इसके अंदर लगभग आपको पाँच एपिसोड देखने को मिलेंगे और इसका एक ही सीजन अवेलेबल है बाकी जो हसरत है उसके नाम से कुछ और सीरीज़ भी उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं पर वो मुझे लगता नहीं कि आप उन्हें देखेंगे क्योंकि आप कुछ और देखना चाहते हैं जो कि मैं समझ चुका हूँ अब बात करते हैं आगे इसके कुछ रिव्यूज़ के बारे में और कहानी के बारे में कि कहानी यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलती है तो हालांकि आपने बहुत सारे ऐसे सीरीज़ देखे होगी जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हैं जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है या फिर कुछ आपको दिखाया जाता है तो इसके एपिसोड बहुत ही अच्छे हैं कुछ एपिसोड ऐसे हैं जो आपको बोर नहीं कराएंगे और आप अगर इसे जो देखने बैठेंगे तो ये आपको इतना बोर नहीं कराती है काफ्टिंग भी इसकी ज़बरदस्त है और जो कहानी भी इसकी चलती रहती है वो अच्छी है ऐसा नहीं कि आपको हर एपिसोड के अंदर कुछ नया देखने को मिले लगभग एपिसोड के अंदर आपको कहानी वहाँ से देखने को मिलती जहाँ से एंड हो गई थी खैर इसे तो आप अभी के लिए हंगामा प्लेट पे देख सकते हैं यूट्यूब पर यह आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि दोस्त इसकी वजह शायद आप लोग जानते ही हैं कि जो ये प्लेटफॉर्म है हंगामा यूट्यूब पर इसे जो है वो रिलीज़ नहीं करेंगे जो इसकी दो जो तो लीड कहानी इसके अंदर आपको ये दिखाया है कि हसरत एक संकलन है जो पाँच वास्तविक महिलाओं के जीवन का पता लगाते हैं जो अपनी कामुकता और इच्छा को पता करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं अब वो है क्यों वो तो आपको आगे ही मालूम पड़ेगा पर फ़िलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पर जो आपको कहानी दिखाई जाती है वो अच्छी है फिर यहाँ पर होता यू हो है कि वो इनकी जो इच्छा पता लगाने के लिए वो पुरुषवादी वर्जना के सब बंधनों को तोड़ती है और बस कुछ क्षणों के जो सच्चे जुनून का अनुभव करने के लिए वे समाज परिवार और उनके जीवन को प्रभावित करने और अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न सभी बाधाओं को चुनौतियाँ का सामना करती है और उनके लिए तैयारी भी होती है दोस्तों जो हर इंसान है उसकी कहानी अलग होती है और उनकी पसंद भी अलग होती है यहाँ पर आपको जो एपिसोड देखने को मिलते हैं इनमें से अलग अलग नाम यहाँ पे दिए गए हैं वैसे सभी एपिसोड आपको वहीं पर मिल जाएंगे जहाँ पर मैंने आपको कहा है लगभग पाँच एपिसोड यहाँ पर अवेलेबल है और ये जो है अगर आप मार्च करेंगे तो मूवी का जितना रन टाइम हो जाएगा जो पहला एपिसोड है इसका नाम यहाँ पर दिया गया था सरारत बाई दूसरे यहाँ पर इज्जत के नाम से है तीसरा यहाँ पे खिलौना चौथा प्लंबर और एक लास्ट वाला शादी मुबारक पर इनमें से सबसे अच्छा जो एपिसोड मुझे लगा था वो ये लगा था शादी मुबारक वाला जो बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर आपको हर एपिसोड के अंदर एक नई कहानी देखने को मिलेंगी तो इस कमाल की जो सीरीज़ है इसे अगर, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार आप इसे देख सकते हैं ये आपको दोस्तों हंगामा प्ले ऐप पे मिलेंगी जहाँ पर आप इसे देख सकते हैं जो इसका पांचवा जो एपिसोड है इसके अंदर आपको यही दिखाया गया है जो यहाँ पर जो लीड कास्ट है हर एपिसोड आपको जो एक नई कास्टिंग देखने को मिलती है और यहाँ पर भी जो है वो पाँचवा जो एपिसोड है जो कि सबसे फेमस है और लोग जो जो खूब पसंद किए थे तो वहाँ लेड क्राफ्ट होती है इसका नाम आरती होता है और वो एक आदर्श भारतीय लड़की है और करते हुए निष्ठ बेटी भी है लेकिन उनकी कुछ यहाँ पर जो है वो वह अनगही इच्छाएँ भी होती हैं जो उनके दोस्तों की शरारती बातों और कॉलेज की बस यात्राओं के दौरान एक मुख्य प्रसंग मयंक दैनिक ध्यान से प्रेरित होती हैं और हालांकि दोस्तों हर किसी की पसंद अलग होती है आप इस मूवी को देखेंगे तो समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ दोस्तों इस कमाल की मूवी को देखिए ये आपको कैसी लगती है मुझे बताइए फ़िलहाल ये आपको हंगामा प्ले ऐप पर मिल जाएंगे इसके पाँच सौ अवेलेबल हैं और इसकी जो वन मंथ की सब्सक्रिप्शन है वो आपको नाइन्टी रुपीज़ की बढ़ेंगी मतलब लगभग सौ रुपये की बढ़ेंगी रोज़ाना बहुत सारी कमाल की सीरीज़ आती रहती है और कुछ ऐसी भी होती है जिनकी अगर हम कोई क्लिप देखते हैं तो फिर बाद में उस पूरी सीरीज़ को देखने का डिसाइड करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं इस सीरीज़ के बारे में जान क्या है या फिर आपने कोई वीडियो देखा है तो बिंदास आप लोग मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ ये सीरीज़ हिंदी में आपको कहाँ पर मिलेंगी कितने इसके एपिसोड हैं क्या ये अवेलेबल है या नहीं यूट्यूब पर मिलेंगी या नहीं ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के बारे में वीडियो के अंदर बताऊंगा तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इसे इंजॉय कर पाए तो दोस्तों अगर बात करें सीरीज़ के बारे में तो इसका नाम है हसरत 2022 में से रिलीज़ कराया गया था और पहली बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इसे जो है फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर आपको जो कुछ भी दिखाया गया है इसे अगर आप अकेले देख लीजिए तो ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है हालांकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप अगर इसे देखेंगे तो आप समझ जाएँगे अब यहाँ पर बात करते हैं कि हम इसे हिंदी में कहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसका जो एक सीज़न है वो अवेलेबल है और आप इसे देख सकते हैं हंगामा प्ले ऐप पे जाके जी हाँ आपने सही सुना ये जो है आपको मिलेगा हंगामा प्ले ऐप पे जहाँ पर आप इसे बेहद ही अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं और अच्छी बात ये है कि आप इसके कुछ एपिसोड फ्री में देख पाए पर इसके बाद आपके पास प्रीमियम प्लान होना ज़रूरी है फिर आप उसे जो है एक्सेस कर पाएंगे तो अभी जाइए हंगामा प्ले ऐप पे वहाँ पर जाकर इस कमाल के शो को देखिए ये आपको कैसा लगता है फिर आप मुझे बताइए जो लिड कास्ट काफ्ट इसके अंदर आपको शिल्पा टुस्लाकर अदा खान क्रिश्ता मुखर्जी बीन राना सना सैयद मोना लिसा रवि भाटिया सुनील भार्गव आयुष आनंद सिद्धार्थ शर्मा साहिल उपल बेशक आप में से बहुत लोग इनके बारे में नहीं जानते होंगे क्योंकि यहाँ पर जो कास्टिंग है एकदम नई है इससे पहले इसका यूट्यूब पर एक ट्रेलर भी अवेलेबल है अगर आप देखना चाहें तो उसे भी देख सकते हैं फिर आप लोग पूरी सीरीज़ को देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर हम बात करें मूवी के बारे में या फिर सीरीज़ के बारे में तो दोस्तों अगर आप इसके जो सभी जो पार्ट्स है अगर आप इन्हें मार्च पे कर लेंगे तो इसका रन टाइम भी लगभग एक मूवी के समान है हालांकि इसके बहुत सारे एपिसोड अवेलेबल हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये आपको मिल जाएंगे जैसे कि हंगामा प्ले ऐप पर भी है जी फाइव भी है आप दोनों जगह से देख सकते हैं और हो सकता है कि दोनों अलग अलग, अलग निकले या फिर एक ही हो खैर मैंने इसे पूरा नहीं देखा है मैं आपको कुछ यहाँ पर मोटी मोटी बातें इसके बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि दोस्तों इस नाम से बहुत सारी जो है वो फ़िल्में भी उपलब्ध है और कुछ मूवीज़ भी आपको देखने को मिल जाएंगी हालांकि इसके रिव्यू दोस्तों मिक्स आए थे जो आईएमडीबी है वहां पर भी इसे एक एवरेज स्कोर मिला हुआ है और ऐसे दोस्तों बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल है पर हम अभी इसके जो है वो कुछ एपिसोड के बारे में बात करेंगे और ऐसी एक मूवी भी उपलब्ध है आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं हालांकि जो जी फाइव पर अवेलेबल है वो कोई और सीरीज़ है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो जो हंगामा प्ले ऐप है वहाँ पर देखिए तो आपको शायद ये ओरिजिनल देखने को मिले इसके अंदर लगभग आपको पाँच एपिसोड देखने को मिलेंगे और इसका एक ही सीजन अवेलेबल है बाकी जो हसरत है उसके नाम से कुछ और सीरीज़ भी उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं पर वो मुझे लगता नहीं कि आप उन्हें देखेंगे क्योंकि आप कुछ और देखना चाहते हैं जो कि मैं समझ चुका हूँ अब बात करते हैं आगे इसके कुछ रिव्यूज़ के बारे में और कहानी के बारे में कि कहानी यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलती है तो हालांकि आपने बहुत सारे ऐसी सीरीज़ देखी होगी जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हैं जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है या फिर कुछ आपको दिखाया जाता है तो इसके एपिसोड बहुत ही अच्छे हैं कुछ एपिसोड ऐसे हैं जो आपको बोर नहीं कराएंगे और आप अगर इसे जो देखने बैठेंगे तो ये आपको इतना बोर नहीं कराती है काफ्टिंग भी इसकी ज़बरदस्त है और जो कहानी भी इसकी चलती रहती है वो अच्छी है ऐसा नहीं कि आपको हर एपिसोड के अंदर कुछ नया देखने को मिले लगभग एपिसोड के अंदर आपको कहानी वहाँ से देखने को मिलती जहाँ से एंड हो गई थी खैर इसे तो आप अभी के लिए हंगामा प्लेट पर देख सकते हैं यूट्यूब पर यह आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि दोस्त इसकी वजह शायद आप लोग जानते ही हैं कि जो ये प्लेटफॉर्म है हंगामा यूट्यूब पर इसे जो है वो रिलीज़ नहीं करेंगे जो इसकी दो जो तो लीड कहानी इसके अंदर आपको ये दिखाया है कि हसरत एक संकलन है जो पांच वास्तविक महिलाओं के जीवन का पता लगाते हैं जो अपनी कामुकता और इच्छा को पता करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं अब वो क्यों वो तो आपको आगे ही मालूम पड़ेगा पर फिलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पर जो आपको कहानी दिखाई जाती है वो अच्छी है फिर यहाँ पर होता यू हो है कि इनकी जो इच्छा पता लगाने के लिए वो पुरुषवादी वर्जना के सब बंधनों को तोड़ती है और बस कुछ क्षणों के जो सच्चे जुनून का अनुभव करने के लिए वे समाज परिवार और उनके जीवन को प्रभावित करने और अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न सभी बाधाओं को चुनौतियाँ का सामना करती हैं और उनके लिए तैयारी भी होती है दोस्तों जो हर इंसान है उसकी कहानी अलग होती है और उनकी पसंद भी अलग होती है यहाँ पर आपको जो एपिसोड देखने को मिलते हैं इनमें से अलग अलग नाम यहाँ पे दिए गए हैं वैसे सभी एपिसोड आपको वहीं पर मिल जाएंगे जहाँ पर मैंने आपको कहा है लगभग पाँच एपिसोड यहाँ पर अवेलेबल है और ये जो है अगर आप मार्च करेंगे तो मूवी का जितना ही रन टाइम हो जाएगा जो पहला एपिसोड है इसका नाम यहाँ पर दिया गया था सरारत बाई दूसरा यहाँ पर इज्जत के नाम से है तीसरा यहाँ पे किलोना चौथा प्लंबर और एक लास्ट वाला शादी मुबारक पर इनमें में से सबसे अच्छा जो एपिसोड मुझे लगा था वो ये लगा था शादी मुबारक वाला जो बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर आपको हर एपिसोड के अंदर एक नई कहानी देखने को मिलेंगी तो इस कमाल की जो सीरीज़ है इसे अगर, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार आप इसे देख सकते हैं ये आपको दोस्तों हंगामा प्ले ऐप पर मिलेंगी जहाँ पर आप इसे देख सकते हैं जो इसका पाँचवा जो एपिसोड है इसके अंदर आपको यही दिखाया गया है जो यहाँ पर जो लीड कास्ट है हर एपिसोड पर आपको जो एक नई काफी देखने को मिलती है और यहाँ पर भी जो है वो पाँचवा जो एपिसोड है जो कि सबसे फेमस है और लोग जो जो को पसंद किए थे तो वहाँ लेडकाफ्ट होती है इसका नाम आरती होता है और वो एक आदर्श भारतीय लड़की है और करते हुए निष्ठ बेटी भी है लेकिन उनकी कुछ यहाँ पर जो है वो अनकही इच्छाएं भी होती हैं जो उनके दोस्तों की शरारती बातों और कॉलेज की बस यात्राओं के दौरान एक मुख्य प्रसंग मयंक दैनिक ध्यान से प्रेरित होती हैं और हालांकि दोस्तों हर किसी की पसंद अलग होती है आप इस मूवी को देखेंगे तो समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ दोस्तों इस कमाल की मूवी को देखिए ये आपको कैसी लगती है मुझे बताइए फ़िलहाल ये आपको हंगामा प्ले ऐप पे मिल जाएंगे इसके पाँच फुट अवेलेबल हैं और इसकी जो वन मंथ की सब्सक्रिप्शन है वो आपको नाइन्टी रुपीज़ की बढ़ेंगी मतलब लगभग सौ रुपये की बढ़ेंगी रोज़ाना बहुत सारी कमाल की सीरीज़ आती रहती है और कुछ ऐसी भी होती है जिनकी अगर हम कोई क्लिप देखते हैं तो फिर बाद में उस पूरी सीरीज़ को देखने का डिसाइड करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं इस सीरीज़ के बारे में जान क्या है या फिर आपने कोई वीडियो देखा है तो बिंदास आप लोग मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ ये सीरीज़ हिंदी में आपको कहाँ पर मिलेंगी कितने इसके एपिसोड है क्या ये फ्री अवेलेबल है या नहीं यूट्यूब पर मिलेंगी या नहीं ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के बारे में वीडियो के अंदर बताऊंगा तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इसे इन्जॉय कर पाए तो दोस्तों अगर बात करें सीरीज़ के बारे में तो इसका नाम है हसरत 2022 में से रिलीज़ कराया गया था और पहली बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इसे जो है फैमिली का साथ नहीं देख सकते हैं क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर आपको जो कुछ भी दिखाया गया है इसे अगर आप अकेले देख लीजिए तो ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है हालांकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप अगर इसे देखेंगे तो आप समझ जाएँगे अब यहाँ पर बात करते हैं कि हम इसे हिंदी में कहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसका जो एक सीज़न है वो अवेलेबल है और आप इसे देख सकते हैं हंगामा प्ले ऐप पे जाके जी हाँ आपने सही सुना ये जो है आपको मिलेगा हंगामा प्ले ऐप पे जहाँ पर आप इसे बेहद ही अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं और अच्छी बात ये है कि आप इसके कुछ एपिसोड फ्री में देख पाए पर इसके बाद आपके पास प्रीमियम प्लान होना ज़रूरी है फिर आप उसे जो है एक्सेस कर पाएंगे तो अभी जाइए हंगामा प्ले ऐप पे वहाँ पर जाकर इस कमाल के शो को देखिए ये आपको कैसा लगता है फिर आप मुझे बताइए जो लिड काफ्टी है इसके अंदर आपको शिल्पा टुस्लाकर अदा खान क्रिश्ता मुखर्जी बीन राणा सना सैयद मोनालिसा रवि भाटिया सुनील भार्गव आयुष आनंद सिद्धार्थ शर्मा साहिल उपल बेशक आप में से बहुत लोग इनके बारे में नहीं जानते होंगे क्योंकि यहाँ पर जो तो कास्टिंग है एकदम नई है इससे पहले इसका यूट्यूब पर एक ट्रेलर भी अवेलेबल है अगर आप देखना चाहें तो उसे भी देख सकते हैं फिर आप लोग पूरी सीरीज़ को देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर हम बात करें मूवी के बारे में या फिर सीरीज़ के बारे में तो दोस्तों अगर आप इसके जो सभी जो पार्ट से अगर आप इन्हें मार्च पर कर लेंगे तो इसका रन टाइम भी लगभग एक मूवी के समान है हालांकि इसके बहुत सारे एपिसोड अवेलेबल हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये आपको मिल जाएंगे जैसे कि हंगामा प्ले ऐप पर भी है जी फाइव भी है आप दोनों जगह से देख सकते हैं और हो सकता है कि दोनों अलग अलग, अलग निकले या फिर एक ही हो खैर मैंने इसे पूरा नहीं देखा है मैं आपको कुछ यहाँ पर मोटी मोटी बातें इसके बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि दोस्तों इस नाम से बहुत सारी जो है वो फ़िल्में भी उपलब्ध है और कुछ मूवीज़ भी आपको देखने को मिल जाएंगी हालांकि इसके रिव्यू दोस्तों मिक्स आए थे जो आईएमडीबी है वहां पर भी इसे एक एवरेज स्कोर मिला हुआ है और ऐसे दोस्तों बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल हैं पर हम अभी इसके जो है वो कुछ एपिसोड के बारे में बात करेंगे और ऐसी एक मूवी भी उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं हालांकि जो जी फाइव पर अवेलेबल है वो कोई और सीरीज़ है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो जो हंगामा प्ले ऐप है वहाँ पर देखिए तो आपको शायद ये ओरिजिनल देखने को मिले इसके अंदर लगभग आपको पाँच एपिसोड देखने को मिलेंगे और इसका एक ही इस सीजन अवेलेबल है बाकी जो असरत है उसके नाम से कुछ और सीरीज़ भी उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं पर वो मुझे लगता नहीं कि आप उन्हें देखेंगे क्योंकि आप कुछ और देखना चाहते हैं जो कि मैं समझ चुका हूँ अब बात करते हैं आगे इसके कुछ रिव्यूज़ के बारे में और कहानी के बारे में कि कहानी यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलती है तो हालांकि आपने बहुत सारे ऐसे सीरीज़ देखे होगी जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हैं जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है या फिर कुछ आपको दिखाया जाता है तो इसके एपिसोड बहुत ही अच्छे हैं कुछ एपिसोड ऐसे हैं जो आपको बोर नहीं कराएंगे और आप अगर इसे जो देखने बैठेंगे तो ये आपको इतना बोर नहीं कराती है काफ्टिंग भी इसकी ज़बरदस्त है और जो कहानी भी इसकी चलती रहती है वो अच्छी है ऐसा नहीं कि आपको हर एपिसोड के अंदर कुछ नया देखने को मिले लगभग एपिसोड के अंदर आपको कहानी वहाँ से देखने को मिलती जहाँ से एंड हो गई थी खैर इसे तो आप अभी के लिए हंगामा प्लेट पे देख सकते हैं यूट्यूब पर यह आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि दोस्त इसकी वजह शायद आप लोग जानते ही हैं कि जो ये प्लेटफॉर्म है हंगामा यूट्यूब पर इसे जो है वो रिलीज़ नहीं करेंगे जो इसकी दोस्तों जो तो लीड कहानी इसके अंदर आपको ये दिखाया है कि हसरत एक संकलन है जो पांच वास्तविक महिलाओं के जीवन का पता लगाते हैं जो अपनी कामुकता और इच्छा को पता करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं अब वो है क्यों वो तो आपको आगे ही मालूम पड़ेगा पर फिलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पर जो आपको कहानी दिखाई जाती है वो अच्छी है फिर यहाँ पर होता यू हो है कि वो इनकी जो इच्छा पता लगाने के लिए वो पुरुषवादी वर्जना के सब बंधनों को तोड़ती है और बस कुछ क्षणों के जो सच्चे जुनून का अनुभव करने के लिए वे समाज परिवार और उनके जीवन को प्रभावित करने और अन्य कार्य को द्वारा उत्पन्न सभी बाधाओं को चुनौतियाँ का सामना करती हैं और उनके लिए तैयार भी होती है दोस्तों जो हर इंसान है उसकी कहानी अलग होती है और उनकी पसंद भी अलग होती है यहाँ पर आपको जो एपिसोड देखने को मिलते हैं इनमें से अलग अलग नाम यहाँ पे दिए गए हैं वैसे सभी एपिसोड आपको वहीं पर मिल जाएंगे जहाँ पर मैंने आपको कहा है लगभग पाँच एपिसोड यहाँ पर अवेलेबल है और ये जो है अगर आप मार्च करेंगे तो मूवी का जितना ही रन टाइम हो जाएगा जो पहला एपिसोड है इसका नाम यहाँ पर दिया गया था सरारत बाई दूसरा यहाँ पर इज्जत के नाम से तीसरा यहाँ पे खिलौना चौथा प्लंबर और एक लास्ट वाला शादी मुबारक पर इनमें से सबसे अच्छा जो एपिसोड मुझे लगा था वो ये लगा था शादी मुबारक वाला जो बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर आपको हर एपिसोड के अंदर एक नई कहानी देखने को मिलेंगी तो इस कमाल की जो सीरीज़ है इसे अगर, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार आप इसे देख सकते हैं ये आपको दोस्तों हंगामा प्ले ऐप पर मिलेंगी जहाँ पर आप इसे देख सकते हैं जो इसका पाँचवा जो एपिसोड है इसके अंदर आपको यही दिखाया गया है जो यहाँ पर जो लीड कास्ट है हर एपिसोड आपको जो एक नई काफ्ट देखने को मिलती है और यहाँ पर भी जो है वो पाँचवा जो एपिसोड है जो कि सबसे फेमस है और लोग जो जो खूब पसंद किए थे तो लेट कास्ट होती है इसका नाम आरती होता है और वो एक आदर्श भारतीय लड़की है और करते हुए निरिष्ट बेटी भी है लेकिन उनकी कुछ यहाँ पर जो है वह अनकी इच्छाएं भी होती हैं जो उनके दोस्तों की शरारती बातों और कॉलेज की बस यात्राओं के दौरान एक मुख्य प्रसंग मयंक दैनिक ध्यान से प्रेरित होती है और हालांकि दोस्तों हर किसी की पसंद अलग होती है आप इस मूवी को देखेंगे तो समझ जाएंगे मैं क्या ना क्या चाहता हूँ दोस्तों इस कमाल की मूवी को देखिए ये आपको कैसी लगती है मुझे बताइए फ़िलहाल ये आपको हंगामा प्ले ऐप पे मिल जाएंगे इसके पाँच एपिसोड अवेलेबल हैं और इसकी जो वन मंथ की सब्सक्रिप्शन है वो आपको नाइन्टी रुपीज़ की बढ़ेंगी मतलब लगभग सौ रुपये की बढ़ेंगी रोज़ाना बहुत सारी कमाल की सीरीज़ आती रहती है और कुछ ऐसी भी होती है जिनकी अगर हम कोई क्लिप देखते हैं तो फिर बाद में उस पूरी सीरीज़ को देखने का डिसाइड करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं इस सीरीज़ के बारे में जान क्या है या फिर आपने कोई वीडियो देखा है तो बिंदास आप लोग मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ ये सीरीज़ हिंदी में आपको कहाँ पर मिलेंगी कितने इसके एपिसोड है क्या ये फ्री अवेलेबल है या नहीं यूट्यूब पर मिलेंगी या नहीं ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के बारे में वीडियो के अंदर बताऊंगा तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इसे इन्जॉय कर पाए तो दोस्तों अगर बात करें सीरीज़ के बारे में तो इसका नाम है हसरत 2022 में से रिलीज़ कराया गया था और पहली बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इसे जो है फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर आपको जो कुछ भी दिखाया गया है इसे अगर आप अकेले देख लिए तो ये अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है हालांकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप अगर इसे देखेंगे तो आप समझ जाएँगे अब यहाँ पर बात करते हैं कि हम इसे हिंदी में कहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसका जो एक सीज़न है वो अवेलेबल है और आप इसे देख सकते हैं हंगामा प्ले ऐप पे जाके जी हाँ आपने सही सुना ये जो है आपको मिलेगा हंगामा प्ले ऐप पे जहाँ पर आप इसे बेहद ही अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं और अच्छी बात यह है कि आप इसके कुछ एपिसोड फ्री में देख पाए पर इसके बाद आपके पास प्रीमियम प्लान होना ज़रूरी है फिर आप उसे जो है एक्सेस कर पाएंगे तो अभी जाइए हंगामा प्ले ऐप पे वहाँ पर जाकर इस कमाल के शो को देखिए ये आपको कैसा लगता है फिर आप मुझे बताइए जो लिड काफ्टी है इसके अंदर आपको शिल्पा टुसलाकर अदा खान क्रिश्ता मुखर्जी बीन राणा सना सैयद मोनालिसा रवि भाटिया सुनील भार्गव आयुष आनंद सिद्धार्थ शर्मा साहिल उपल बेशक आप में से बहुत लोग इनके बारे में नहीं जानते होंगे क्योंकि यहाँ पर जो कास्टिंग है एकदम नई है इससे पहले इसका यूट्यूब पर एक ट्रेलर भी अवेलेबल है अगर आप देखना चाहें तो उसे भी देख सकते हैं फिर आप लोग पूरी सीरीज़ को देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर हम बात करें मूवी के बारे में या फिर सीरीज़ के बारे में तो दोस्तों अगर आप इसके जो सभी जो पार्ट से अगर आप इन्हें मार्च पर कर लेंगे तो इसका रन टाइम भी लगभग एक मूवी के समान है हालांकि इसके बहुत सारे एपिसोड अवेलेबल हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये आपको मिल जाएंगे जैसे कि ये हंगामा प्ले ऐप पर भी है जी फाइव भी है आप दोनों जगह से देख सकते हैं और हो सकता है कि दोनों अलग अलग, अलग निकले या फिर एक ही हो खैर मैंने इसे पूरा नहीं देखा है मैं आपको कुछ यहाँ पर मोटी मोटी बातें इसके बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि दोस्तों इस नाम से बहुत सारी जो है वो फ़िल्में भी उपलब्ध है और कुछ मूवीज़ भी आपको देखने को मिल जाएंगी हालांकि इसके रिव्यू दोस्तों मिक्स आए थे जो आई है वहाँ पर भी इसे एक एवरेज स्कोर मिला हुआ है और ऐसे दोस्तों बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल हैं पर हम अभी इसके जो है वो कुछ एपिसोड के बारे में बात करेंगे और ऐसी एक मूवी भी उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं हालांकि जो जी फाइव पर अवेलेबल है वो कोई और सीरीज़ है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो जो हंगामा प्ले ऐप है वहाँ पर देखिए तो आपको शायद ये ओरिजिनल देखने को मिले इसके अंदर लगभग आपको पाँच एपिसोड देखने को मिलेंगे और इसका एक ही सीजन अवेलेबल है बाकी जो असरत है उसके नाम से कुछ और सीरीज़ भी उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं पर वो मुझे लगता नहीं कि आप उन्हें देखेंगे क्योंकि आप कुछ और देखना चाहते हैं जो कि मैं समझ चुका हूँ अब बात करते हैं आगे इसके कुछ रिव्यूज़ के बारे में और कहानी के बारे में कि कहानी यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलती है तो हालांकि आपने बहुत सारे ऐसे सीरीज़ देखे होगी जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हैं जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है या फिर कुछ आपको दिखाया जाता है तो इसके एपिसोड बहुत ही अच्छे हैं कुछ एपिसोड ऐसे हैं जो आपको बोर नहीं कराएंगे और आप अगर इसे जो देखने बैठेंगे तो ये आपको इतना बोर नहीं कराती है काफ्टिंग भी इसकी ज़बरदस्त है और जो कहानी भी इसकी चलती रहती है वो अच्छी है ऐसा नहीं कि आपको हर एपिसोड के अंदर कुछ नया देखने को मिले लगभग एपिसोड के अंदर आपको कहानी वहाँ से देखने को मिलती जहाँ से एंड हो गई थी खैर इसे तो आप अभी के लिए हंगामा प्लेट पे देख सकते हैं यूट्यूब पर ये आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि दोस्त इसकी वजह शायद आप लोग जानते ही हैं कि जो ये प्लेटफॉर्म है हंगामा यूट्यूब पर इसे जो है वो रिलीज़ नहीं करेंगे जो इसकी दोस्तों जो तो लीड कहानी इसके अंदर आपको ये दिखाया है कि हसरत एक संकलन है जो पांच वास्तविक महिलाओं के जीवन का पता लगाते हैं जो अपनी कामुकता और इच्छा को पता करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं अब वक्त क्यों वो तो आपको आगे ही मालूम पड़ेगा पर फिलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पर जो आपको कहानी दिखाई जाती है वो अच्छी है फिर यहाँ पर होता यू हो है कि लग इनकी जो इच्छा का पता लगाने के लिए वो पुरुषवादी वर्जना के सब बंधनों को तोड़ती है और बस कुछ क्षणों के जो सच्चे जुनून का अनुभव करने के लिए वे समाज परिवार और उनके जीवन को प्रभावित करने और अन्य कार्यों द्वारा उत्पन्न सभी बाधाओं को चुनौतियाँ का सामना करती है और उनके लिए तैयारी भी होती है दोस्तों जो हर इंसान है उसकी कहानी अलग होती है और उनकी पसंद भी अलग होती है यहाँ पर आपको जो एपिसोड देखने को मिलते हैं इनमें से अलग अलग नाम यहाँ पे दिए गए हैं वैसे सभी एपिसोड आपको वहीं पर मिल जाएंगे जहाँ पर मैंने आपको कहा है लगभग पाँच एपिसोड यहाँ पे अवेलेबल है और ये जो है अगर आप मार्च करेंगे तो मूवी का जितना ही रन टाइम हो जाएगा जो पहला एपिसोड है इसका नाम यहाँ पर दिया गया था सरारत बाई दूसरा यहाँ पर इज्ज़त के नाम से है तीसरा यहाँ पर खिलौना चौथा प्लम्बर और एक लाफ्तवला शादी मुबारक पर इनमें से सबसे अच्छा जो एपिसोड मुझे लगा था वो ये लगा था शादी मुबारक वाला जो बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर आपको हर एपिसोड के अंदर एक नई कहानी देखने को मिलेंगी तो इस कमाल की जो सीरीज़ है इसे अगर, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार आप इसे देख सकते हैं ये आपको दोस्तों हंगामा प्ले ऐप पर मिलेंगी जहाँ पर आप इसे देख सकते हैं जो इसका पाँचवा जो एपिसोड है इसके अंदर आपको यही दिखाया गया है जो यहाँ पर जो लीड कास्ट है हर एपिसोड पर आपको जो एक नई काफ्टिंग देखने को मिलती है और यहाँ पर भी जो है वो पाँचवा जो एपिसोड है जो कि सबसे फेमस है और लोग जो जो खूब पसंद किए थे तो लीड क्राफ्ट होती है इसका नाम आरती होता है और वो एक आदर्श भारतीय लड़की है और करते हुए निष्ठ बेटी भी है लेकिन उनकी कुछ यहाँ पर जो है वो वह अनक इच्छाएँ भी होती हैं जो उनके दोस्तों की शरारती बातों और कॉलेज की बस यात्राओं के दौरान एक मुख्य प्रसंग मयंक दैनिक ध्यान से प्रेरित होती है और हालांकि दोस्तों हर किसी की पसंद अलग होती है आप इस मूवी को देखेंगे तो समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ दोस्तों इस कमाल की मूवी को देखिए ये आपको कैसी लगती है मुझे बताइए फ़िलहाल ये आपको हंगामा प्ले ऐप पे मिल जाएंगे इसके पाँचों एपिसोड अवेलेबल हैं और इसकी जो वन मंथ की सब्सक्रिप्शन है वो आपको नाइन्टी रुपीज़ की बढ़ेंगी मतलब लगभग सौ रुपये की बढ़ेंगी रोज़ाना बहुत सारी कमाल की सीरीज़ आती रहती है और कुछ ऐसी भी होती है जिनकी अगर हम कोई क्लिप देखते हैं तो फिर बाद में उस पूरी सीरीज़ को देखने का डिसाइड करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं इस सीरीज़ के बारे में जान के आए हैं या फिर आपने कोई वीडियो देखा है तो बिंदा सा आप लोग मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ ये सीरीज़ हिंदी में आपको कहाँ पर मिलेंगी कितने इसके एपिसोड है क्या ये प्री अवेलेबल है या नहीं यूट्यूब पर मिलेंगी या नहीं ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के बारे में वीडियो के अंदर बताऊँगा तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इसे इन्जॉय कर पाए तो दोस्तों अगर बात करें सीरीज़ के बारे में तो इसका नाम है हसरत 2022 में से रिलीज़ कराया गया था और पहली बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इसे जो है फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर आपको जो कुछ भी दिखाया गया है इसे अगर आप अकेले देख लीजिए तो यही अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है हालांकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप अगर इसे देखेंगे तो आप समझ जाएंगे अब यहाँ पर बात करते हैं कि हम इसे हिंदी में कहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसका जो एक सीज़न है वो अवेलेबल है और आप इसे देख सकते हैं हंगामा प्ले ऐप पे जाके जी हाँ आपने सही सुना ये जो है आपको मिलेगा हंगामा प्ले ऐप पे जहाँ पर आप इसे बेहद ही अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं और अच्छी बात ये है कि आप इसके कुछ एपिसोड फ्री में देख पाए पर इसके बाद आपके पास प्रीमियम प्लान होना ज़रूरी है फिर आप उसे जो है एक्सेस कर पाएंगे तो अभी जाइए हंगामा प्ले ऐप पे वहाँ पर जाकर इस कमाल के शो को देखिए ये आपको कैसा लगता है फिर आप मुझे बताइए जो लिड काफ्ट इसके अंदर आपको शिल्पा टुसलाकर अदा खान क्रिश्ता मुखर्जी बीन राना सना सैयद मोनालिसा रवि भाटिया सुनील भार्गव आयुष आनंद सिद्धार्थ शर्मा साहिल उपल बेशक आप में से बहुत लोग इनके बारे में नहीं जानते होंगे क्योंकि यहाँ पर जो कास्टिंग है एकदम नई है इससे पहले इसका यूट्यूब पर एक ट्रेलर भी अवेलेबल है अगर आप देखना चाहें तो उसे भी देख सकते हैं फिर आप लोग पूरी सीरीज़ को देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर हम बात करें मूवी के बारे में या फिर सीरीज़ के बारे में तो दोस्तों अगर आप इसके जो सभी जो पार्ट से अगर आप इन्हें मार्च पर कर लेंगे तो इसका रन टाइम भी लगभग एक मूवी के समान है हालांकि इसके बहुत सारे एपिसोड अवेलेबल हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह आपको मिल जाएंगे जैसे कि हंगामा प्ले ऐप पर भी है जी फाइव भी है आप दोनों जगह से देख सकते हैं पर हो सकता है कि दोनों अलग अलग, अलग निकले या फिर एक ही हो खैर मैंने इसे पूरा नहीं देखा है मैं आपको कुछ यहाँ पर मोटी मोटी बातें इसके बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि दोस्तों इस नाम से बहुत सारी जो है वो फ़िल्में भी उपलब्ध है और कुछ मूवीज़ भी आपको देखने को मिल जाएंगी हालांकि इसके रिव्यू दोस्तों मिक्स आए थे जो आई है वहाँ पर भी इसे एक एवरेज स्कोर मिला हुआ है और ऐसे दोस्तों बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल है पर हम अभी इसके जो है वो कुछ एपिसोड के बारे में बात करेंगे और ऐसी एक मूवी भी उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं हालांकि जो जी फाइव पर अवेलेबल है वो कोई और सीरीज़ है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो जो हंगामा प्ले ऐप है वहाँ पर देखिए तो आपको शायद ये ओरिजिनल देखने को मिले इसके अंदर लगभग आपको पाँच एपिसोड देखने को मिलेंगे और इसका एक ही सीजन अवेलेबल है बाकी जो असरत है उसके नाम से कुछ और सीरीज़ भी उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं पर वो मुझे लगता नहीं कि आप उन्हें देखेंगे क्योंकि आप कुछ और देखना चाहते हैं जो कि मैं समझ चुका हूँ अब बात करते हैं आगे इसके कुछ रिव्यूज़ के बारे में और कहानी के बारे में कि कहानी यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलती है तो हालांकि आपने बहुत सारी ऐसी सीरीज़ देखी होगी जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हैं जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है या फिर कुछ आपको दिखाया जाता है तो इसके एपिसोड बहुत ही अच्छे हैं कुछ एपिसोड ऐसे हैं जो आपको बोर नहीं कराएंगे और आप अगर इसे जो देखने बैठेंगे तो ये आपको इतना बोर नहीं कराती है काफ्टिंग भी इसकी ज़बरदस्त है और जो कहानी भी इसके चलती रहती है वो अच्छी है ऐसा नहीं कि आपको हर एपिसोड के अंदर कुछ नया देखने को मिले लगभग एपिसोड के अंदर आपको कहानी वहाँ से देखने को मिलती जहाँ से एंड हो थी खैर इसे तो आप अभी के लिए हंगामा प्लेट पे देख सकते हैं यूट्यूब पर ये आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि दोस्त इसकी वजह शायद आप लोग जानते ही हैं कि जो ये प्लेटफॉर्म है हंगामा यूट्यूब पर इसे जो है वो रिलीज़ नहीं करेंगे जो इसकी दो जो तो लीड कहानी इसके अंदर आपको ये दिखाया है कि हसरत एक संकलन है जो पांच वास्तविक महिलाओं के जीवन का पता लगाते हैं जो अपनी कामुकता और इच्छा को पता करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं अब वक्त क्यों वो तो आपको आगे ही मालूम पड़ेगा पर फिलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पर जो आपको कहानी दिखाई जाती है वो अच्छी है फिर यहाँ पर होता यू हो है कि लग इनकी जो इच्छा पता लगाने के लिए वो पुरुषवादी वर्जना के सब बंधनों को तोड़ती है और बस कुछ क्षणों के जो सच्चे जुनून का अनुभव करने के लिए वे समाज परिवार और उनके जीवन को प्रभावित करने और अन्य कार को द्वारा उत्पन्न सभी बाधाओं को चुनौतियाँ का सामना करती है और उनके लिए तैयारी भी होती है दोस्तों जो हर इंसान है उसकी कहानी अलग होती है और उनकी पसंद भी अलग होती है यहाँ पर आपको जो एपिसोड देखने को मिलते हैं इनमें से अलग अलग नाम यहाँ पे दिए गए हैं वैसे सभी एपिसोड आपको वहीं पर मिल जाएंगे जहाँ पर मैंने आपको कहा है लगभग पाँच एपिसोड यहाँ पे अवेलेबल है और ये जो है अगर आप मार्च करेंगे तो मूवी का जितना ही रन टाइम हो जाएगा जो पहला एपिसोड है इसका नाम यहाँ पर दिया गया था सरारत बाई दूसरा यहाँ पर इज्जत के नाम से है तीसरा यहाँ पर खिलौना चौथा प्लंबर और एक लाफ्टवला शादी मुबारक पर इनमें से सबसे अच्छा जो एपिसोड मुझे लगा था वो ये लगा था शादी मुबारक वाला जो बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर आपको हर एपिसोड के अंदर एक नई कहानी देखने को मिलेंगी तो इस कमाल की जो सीरीज़ है इसे अगर, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार आप इसे देख सकते हैं ये आपको दोस्तों हंगामा प्ले ऐप पर मिलेंगी जहाँ पर आप इसे देख सकते हैं जो इसका पाँचवा जो एपिसोड है इसके अंदर आपको यही दिखाया गया है जो यहाँ पर जो लीड कास्ट है हर एपिसोड पर आपको जो एक नई कास्टिंग देखने को मिलती है और यहाँ पर भी जो है वो पाँचवा जो एपिसोड है जो कि सबसे फेमस है और लोग जो जो को पसंद किए थे तो वहाँ लेट होती है इसका नाम आरती होता है और वो एक आदर्श आरती लड़की है और करते हुए निष्ठ बेटी भी है लेकिन उनकी कुछ यहाँ पर जो है वह अनगही इच्छाएं भी होती हैं जो उनके दोस्तों की शरारती बातों और कॉलेज की बस यात्राओं के दौरान एक मुख्य प्रसंग मयंक दैनिक ध्यान से प्रेरित होती है और हालांकि दोस्तों हर किसी की पसंद अलग होती है आप इस मूवी को देखेंगे तो समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ दोस्तों इस कमाल की मूवी को देखिए ये आपको कैसी लगती है मुझे बताइए फ़िलहाल ये आपको हंगामा प्ले ऐप पे मिल जाएंगे इसके पाँच सौ एपिसोड अवेलेबल हैं और इसकी जो वन मंथ की सब्सक्रिप्शन है वो आपको नाइन्टी रुपीज़ की बढ़ेंगी मतलब लगभग सौ रुपये की बढ़ेंगी रोज़ाना बहुत सारी कमाल की सीरीज़ आती रहती है और कुछ ऐसी भी होती है जिनकी अगर हम कोई क्लिप देखते हैं तो फिर बाद में उस पूरी सीरीज़ को देखने का डिसाइड करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं इस सीरीज़ के बारे में जान के आए या फिर आपने कोई वीडियो देखा है तो बिंदा सा आप लोग मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ ये सीरीज़ हिंदी में आपको कहाँ पर मिलेंगी कितने इसके एपिसोड है क्या ये अवेलेबल है या नहीं यूट्यूब पर मिलेंगी या नहीं ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के बारे वीडियो के अंदर बताऊंगा तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इसे इंजॉय कर पाए तो दोस्तों अगर बात करें सीरीज़ के बारे में तो इसका नाम है हसरत 2022 में से रिलीज़ कराया गया था और पहली बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसे जो है फैमिली का साथ नहीं देख सकते हैं क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर आपको जो कुछ भी दिखाया गया है इसे अगर आप अकेले देख लीजिए तो ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है हालांकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप अगर इसे देखेंगे तो आप समझ जाएंगे अब यहाँ पर बात करते हैं कि हम इसे हिंदी में कहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसका जो एक सीज़न है वो अवेलेबल है और आप इसे देख सकते हैं हंगामा प्ले ऐप पे जाके जी हाँ आपने सही सुना ये जो है आपको मिलेगा हंगामा प्ले ऐप पे जहाँ पर आप इसे बेहद ही अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं और अच्छी बात यह है कि आप इसके कुछ एपिसोड फ्री में देख पाए पर इसके बाद आपके पास प्रीमियम प्लान होना ज़रूरी है फिर आप उसे जो है एक्सेस कर पाएंगे तो अभी जाइए हंगामा प्ले ऐप पे वहाँ पर जाकर इस कमाल के शो को देखिए ये आपको कैसा लगता है फिर आप मुझे बताइए जो लिड थी इसके अंदर आपको शिल्पा टुस्लाकर अदा खान क्रिश्ता मुखर्जी बीन राना सना सैयद मोनालिसा रवि भाटिया सुनील भार्गव आयुष आनंद सिद्धार्थ शर्मा साहिल उपल बेशक आप में से बहुत लोग इनके बारे में नहीं जानते होंगे क्योंकि यहाँ पर जो तो कास्टिंग है एकदम नई है इससे पहले इसका यूट्यूब पर एक ट्रेलर भी अवेलेबल है अगर आप देखना चाहें तो उसे भी देख सकते हैं फिर आप लोग पूरी सीरीज़ को देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर हम बात करें मूवी के बारे में या फिर सीरीज़ के बारे में तो दोस्तों अगर आप इसके जो सभी जो पार्ट से अगर आप इन्हें मार्च पर कर लेंगे तो इसका रन टाइम भी लगभग एक मूवी के समान है हालांकि इसके बहुत सारे एपिसोड अवेलेबल हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये आपको मिल जाएंगे जैसे कि हंगामा प्ले ऐप पर भी है जी फाइव भी है आप दोनों जगह से देख सकते हैं और हो सकता है कि दोनों अलग अलग, अलग निकले या फिर एक ही हो खैर मैंने इसे पूरा नहीं देखा है मैं आपको कुछ यहाँ पर मोटी मोटी बातें इसके बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि दोस्तों इस नाम से बहुत सारी जो है वो फ़िल्में भी उपलब्ध है और कुछ मूवीज़ भी आपको देखने को मिल जाएंगी हालांकि इसके रिव्यू दोस्तों मिक्स आए थे जो आई है वहाँ पर भी इसे एक एवरेज स्कोर मिला हुआ है और ऐसे दोस्तों बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल हैं पर हम अभी इसके जो है वो कुछ एपिसोड के बारे में बात करेंगे और ऐसी एक मूवी भी उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं हालांकि जो जी फाइव पर अवेलेबल है वो कोई और सीरीज़ है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो जो हंगामा प्ले ऐप है वहाँ पर देखिए तो आपको शायद ये ओरिजिनल देखने को मिले इसके अंदर लगभग आपको पाँच एपिसोड देखने को मिलेंगे और इसका एक ही इस सीजन अवेलेबल है बाकी जो असरत है उसके नाम से कुछ और सीरीज़ भी उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं पर वो मुझे लगता नहीं कि आप उन्हें देखेंगे क्योंकि आप कुछ और देखना चाहते हैं जो कि मैं समझ चुका हूँ अब बात करते हैं आगे इसके कुछ रिव्यूज़ के बारे में और कहानी के बारे में कि कहानी यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलती है तो हालांकि आपने बहुत सारी ऐसी सीरीज़ देखी होगी जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हैं जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है या फिर कुछ आपको दिखाया जाता है तो इसके एपिसोड बहुत ही अच्छे हैं कुछ एपिसोड ऐसे हैं जो आपको बोर नहीं कराएंगे और आप अगर इसे जो देखने बैठेंगे तो ये आपको इतना बोर नहीं कराती है काफ्टिंग भी इसकी ज़बरदस्त है और जो कहानी भी इसके चलती रहती है वो अच्छी है ऐसा नहीं कि आपको हर एपिसोड के अंदर कुछ नया देखने को मिले लगभग एपिसोड के अंदर आपको कहानी वहाँ से देखने को मिलती जहाँ से एंड हो भी थी खैर इसे तो आप अभी के लिए हंगामा प्लेट पे देख सकते हैं यूट्यूब पर यह आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि दोस्त इसकी वजह शायद आप लोग जानते ही हैं कि जो ये प्लेटफॉर्म है हंगामा यूट्यूब पर इसे जो है वो रिलीज़ नहीं करेंगे जो इसकी दोस्तों जो लीड कहानी इसके अंदर आपको ये दिखाया है कि हसरत एक संकलन है जो पाँच वास्तविक महिलाओं के जीवन का पता लगाते हैं जो अपनी कामुकता और इच्छा को पता करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं अब वो है क्यों वो तो आपको आगे ही मालूम पड़ेगा पर फ़िलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पर जो आपको कहानी दिखाई जाती है वो अच्छी है फिर यहाँ पर होता यू हो है कि लग वो इनकी जो इच्छा है पता लगाने के लिए वो पुरुषवादी वर्जना के सब बंधनों को तोड़ती है और बस कुछ क्षणों के जो सच्चे जुनून का अनुभव करने के लिए वे समाज परिवार और उनके जीवन को प्रभावित करने और अन्य कार को द्वारा उत्पन्न सभी बाधाओं को चुनौतियाँ का सामना करती हैं और उनके लिए तैयार भी होती है दोस्तों जो हर इंसान है उसकी कहानी अलग होती है और उनकी पसंद भी अलग होती है यहाँ पर आपको जो एपिसोड देखने को मिलते हैं इनमें से अलग अलग नाम यहाँ पे दिए गए हैं वैसे सभी एपिसोड आपको वहीं पर मिल जाएंगे जहाँ पर मैंने आपको कहा है लगभग पाँच एपिसोड यहाँ पे अवेलेबल है और ये जो है अगर आप मार्च करेंगे तो मूवी का जितना ही रन टाइम हो जाएगा जो पहला एपिसोड है इसका नाम यहाँ पर दिया गया था सरारत बाई दूसरा यहाँ पर इज्ज़त के नाम से है तीसरा यहाँ पर खिलौना चौथा प्लम्बर और एक लाफ्तवला शादी मुबारक पर इनमें से सबसे अच्छा जो एपिसोड मुझे लगा था वो ये लगा था शादी मुबारक वाला जो बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर आपको हर एपिसोड के अंदर एक नई कहानी देखने को मिलेंगी तो इस कमाल की जो सीरीज़ है इसे अगर, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार आप इसे देख सकते हैं ये आपको दोस्तों हंगामा अपने ऐप पर मिलेंगी जहाँ पर आप इसे देख सकते हैं जो इसका पाँचवा जो एपिसोड है इसके अंदर आपको यही दिखाया गया है जो यहाँ पर जो लीड कास्ट है हर एपिसोड आपको जो एक नई काफ्ट देखने को मिलती है और यहाँ पर भी जो है वो पाँचवा जो एपिसोड है जो कि सबसे फेमस है और लोग जो जो खूब पसंद किए थे तो वहाँ लेड क्राफ्ट होती है इसका नाम आरती होता है और वो एक आदर्श भारतीय लड़की है और करते हुए निष्ठ बेटी भी है लेकिन उनकी कुछ यहाँ पर जो है वह अनगही इच्छाएँ भी होती हैं जो उनके दोस्तों की शरारती बातों और कॉलेज की बस यात्राओं के दौरान एक मुख्य प्रसंग मयंक दैनिक ध्यान से प्रेरित होती हैं और हालांकि दोस्तों हर किसी की पसंद अलग होती है आप इस मूवी को देखेंगे तो समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ दोस्तों इस कमाल की मूवी को देखिए ये आपको कैसी लगती है मुझे बताइए फ़िलहाल ये आपको हंगामा प्ले ऐप पर मिल जाएंगे इसके पाँचों एपिसोड अवेलेबल हैं और इसकी जो वन मंथ की सब्सक्रिप्शन है वो आपको नाइन्टी रुपीज़ की बढ़ेंगी मतलब लगभग सौ रुपये की बढ़ेंगी रोजाना बहुत सारी कमाल की सीरीज़ आती रहती है और कुछ ऐसी भी होती है जिनकी अगर हम कोई क्लिप देखते हैं तो फिर बाद में उस पूरी सीरीज़ को देखने का डिसाइड करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं इस सीरीज़ के बारे में जान के आए हैं या फिर आपने कोई वीडियो देखा है तो बिंदा सा आप लोग मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ ये सीरीज़ हिंदी में आपको कहाँ पर मिलेंगी कितने इसके एपिसोड है क्या ये अवेलेबल है या नहीं यूट्यूब पर मिलेंगी या नहीं ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के बारे वीडियो के अंदर बताऊँगा तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इसे इन्जॉय कर पाए तो दोस्तों अगर बात करें सीरीज़ के बारे में तो इसका नाम है हसरत 2022 में से रिलीज़ कराया गया था और पहली बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसे जो है फैमिली का साथ नहीं देख सकते हैं क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर आपको जो कुछ भी दिखाया गया है इसे अगर आप अकेले देख लीजिए तो ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है हालांकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप अगर इसे देखेंगे तो आप समझ जाएँगे अब यहाँ पर बात करते हैं कि हम इसे हिंदी में कहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसका जो एक सीज़न है वो अवेलेबल है और आप इसे देख सकते हैं हंगामा प्ले ऐप पे जाके जी हाँ आपने सही सुना ये जो है आपको मिलेगा हंगामा प्ले ऐप पे जहाँ पर आप इसे बेहद ही अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं और अच्छी बात यह है कि आप इसके कुछ एपिसोड फ्री में देख पाए पर इसके बाद आपके पास प्रीमियम प्लान होना ज़रूरी है फिर आप उसे जो है एक्सेस कर पाएंगे तो अभी जाइए हंगामा प्ले ऐप पे वहाँ पर जाकर इस कमाल के शो को देखिए ये आपको कैसा लगता है फिर आप मुझे बताइए जो लिड काफ्ट इसके अंदर आपको शिल्पा टुसलाकर अदा खान कृष्णा मुखर्जी बीन राना सना सैयद मोना लिसा रवि भाटिया सुनील भार्गव आयुष आनंद सिद्धार्थ शर्मा साहिल उपल बेशक आप में से बहुत लोग इनके बारे में नहीं जानते होंगे क्योंकि यहाँ पर जो कास्टिंग है एकदम नई है इससे पहले इसका यूट्यूब पर एक ट्रेलर भी अवेलेबल है अगर आप देखना चाहें तो उसे भी देख सकते हैं फिर आप लोग पूरी सीरीज को देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर हम बात करें मूवी के बारे में या फिर सीरीज़ के बारे में तो दोस्तों अगर आप इसके जो सभी जो पार्ट से अगर आप इन्हें मार्च पे कर लेंगे तो इसका रन टाइम भी लगभग एक मूवी के समान है हालांकि इसके बहुत सारे एपिसोड अवेलेबल हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह आपको मिल जाएंगे जैसे कि हंगामा प्ले ऐप पर भी है जी फाइव भी है आप दोनों जगह से देख सकते हैं और हो सकता है कि दोनों अलग अलग, अलग निकले या फिर एक ही हो खैर मैंने इसे पूरा नहीं देखा है मैं आपको कुछ यहाँ पर मोटी मोटी बातें इसके बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि दोस्तों इस नाम से बहुत सारी जो है वो फिल्में भी उपलब्ध है और कुछ मूवीज़ भी आपको देखने को मिल जाएंगी हालांकि इसके रिव्यू दोस्तों मिक्स आए थे जो आईएमडीबी है वहां पर भी इसे एक एवरेज स्कोर मिला हुआ है और ऐसे दोस्तों बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल है पर हम अभी इसके जो है वो कुछ एपिसोड के बारे में बात करेंगे और ऐसी एक मूवी भी उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं हालांकि जो जी फाइव पर अवेलेबल है वो कोई और सीरीज़ है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो जो हंगामा प्ले ऐप है वहाँ पर देखिए तो आपको शायद ये ओरिजिनल देखने को मिले इसके अंदर लगभग आपको पाँच एपिसोड देखने को मिलेंगे और इसका एक ही सीजन अवेलेबल है बाकी जो हसरत है उसके नाम से कुछ और सीरीज़ भी उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं पर वो मुझे लगता नहीं कि आप उन्हें देखेंगे क्योंकि आप कुछ और देखना चाहते हैं जो कि मैं समझ चुका हूँ अब बात करते हैं आगे इसके कुछ रिव्यूज़ के बारे में और कहानी के बारे में कि कहानी यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलती है तो हालांकि आपने बहुत सारी ऐसी सीरीज़ देखी होगी जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हैं जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है या फिर कुछ आपको दिखाया जाता है तो इसके एपिसोड बहुत ही अच्छे हैं कुछ एपिसोड ऐसे हैं जो आपको बोर नहीं कराएंगे और आप अगर इसे जो देखने बैठेंगे तो ये आपको इतना बोर नहीं कराती है काफ्टिंग भी इसकी ज़बरदस्त है और जो कहानी भी इसके चलती रहती है वो अच्छी है ऐसा नहीं कि आपको हर एपिसोड के अंदर कुछ नया देखने को मिले लगभग एपिसोड के अंदर आपको कहानी वहाँ से देखने को मिलती जहाँ से एंड हो भी थी खैर इसे तो आप अभी के लिए हंगामा प्लेट पे देख सकते हैं यूट्यूब पर ये आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि दोस्त इसकी वजह शायद आप लोग जानते ही हैं कि जो ये प्लेटफॉर्म है हंगामा यूट्यूब पर इसे जो है वो रिलीज नहीं करेंगे जो इसकी दोस्तों जो तो लीड कहानी इसके अंदर आपको ये दिखाया है कि हसरत एक संकलन है जो पाँच वास्तविक महिलाओं के जीवन का पता लगाते हैं जो अपनी कामुकता और इच्छा को पता करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं अब वो क्यों वो तो आपको आगे ही मालूम पड़ेगा पर फिलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पर जो आपको कहानी दिखाई जाती है वो अच्छी है फिर यहाँ पर होता यू हो है कि इनकी जो इच्छा है पता लगाने के लिए वो पुरुषवादी वर्जना के सब बंधनों को तोड़ती है और बस कुछ क्षणों के जो सच्चे जुनून का अनुभव करने के लिए वे समाज परिवार और उनके जीवन को प्रभावित करने और अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न सभी बाधाओं को चुनौतियाँ का सामना करती हैं और उनके लिए तैयार भी होती है दोस्तों जो हर इंसान है उसकी कहानी अलग होती है और उनकी पसंद भी अलग होती है यहाँ पर आपको जो एपिसोड देखने को मिलते हैं इनमें से अलग अलग नाम यहाँ पे दिए गए हैं वैसे सभी एपिसोड आपको वहीं पर मिल जाएंगे जहाँ पर मैंने आपको कहा है लगभग पाँच एपिसोड यहाँ पे अवेलेबल है और ये जो है अगर आप मार्च करेंगे तो मूवी का जितना ही रन टाइम हो जाएगा जो पहला एपिसोड है इसका नाम यहाँ पर दिया गया था सरारत बाई दूसरा यहाँ पर इज्जत के नाम से है तीसरा यहाँ पे खिलौना चौथा प्लम्बर और एक लाफ्ट वाला शादी मुबारक पर इनमें से सबसे अच्छा जो एपिसोड मुझे लगा था वो ये लगा था शादी मुबारक वाला जो बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर आपको हर एपिसोड के अंदर एक नई कहानी देखने को मिलेंगी तो इस कमाल की जो सीरीज़ है इसे अगर, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार आप इसे देख सकते हैं ये आपको दोस्तों हंगामा प्ले ऐप पे मिलेंगी जहाँ पर आप इसे देख सकते हैं जो इसका पांचवा जो एपिसोड है इसके अंदर आपको यही दिखाया गया है जो यहाँ पर जो लीड कास्ट है हर एपिस आपको जो एक नई काफ्ट देखने को मिलती है और यहाँ पर भी जो है वो पाँचवा जो एपिसोड है जो कि सबसे फेमस है और लोग जो जो खूब पसंद किए थे तो वहाँ लेडकाफ्ट होती है इसका नाम आरती होता है और वो एक आदर्श भारतीय लड़की है और करते हुए निष्ठ बेटी भी है लेकिन उनकी कुछ यहाँ पर जो है वह अनकी इच्छाएँ भी होती है जो उनके दोस्तों की शरारती बातों और कॉलेज की बस यात्राओं के दौरान एक मुख्य प्रसंग मयंक दैनिक ध्यान से प्रेरित होती है और हालांकि दोस्तों हर किसी की पसंद अलग होती है आप इस मूवी को देखेंगे तो समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ दोस्तों इस कमाल की मूवी को देखिए ये आपको कैसे लगती है मुझे बताइए फ़िलहाल ये आपको हंगामा प्ले ऐप पे मिल जाएंगे इसके पाँच सौ एपिसोड अवेलेबल हैं और इसके जो वन मंथ की सब्सक्रिप्शन है वो आपको नाइन्टी रुपीज़ की बढ़ेंगी मतलब लगभग सौ रुपये की बढ़ेंगी रोजाना बहुत सारी कमाल की सीरीज़ आती रहती है और कुछ ऐसी भी होती है जिनकी अगर हम कोई क्लिप देखते हैं तो फिर बाद में उस पूरी सीरीज़ को देखने का डिसाइड करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं इस सीरीज़ के बारे में जान क्या है या फिर आपने कोई वीडियो देखा है तो बिंदास आप लोग मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ ये सीरीज़ हिंदी में आपको कहाँ पर मिलेंगी कितने इसके एपिसोड है क्या ये प्री अवेलेबल है या नहीं यूट्यूब पर मिलेंगी या नहीं ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के बारे वीडियो के अंदर बताऊंगा तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इसे इन्जॉय कर पाए तो दोस्तों अगर बात करें सीरीज़ के बारे में तो इसका नाम है हसरत 2022 में से रिलीज़ कराया गया था और पहली बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इसे जो है फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर आपको जो कुछ भी दिखाया गया है इसे अगर आप अकेले देख लीजिए तो ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है हालांकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप अगर इसे देखेंगे तो आप समझ जाएँगे अब यहाँ पर बात करते हैं कि हम इसे हिंदी में कहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसका जो एक सीज़न है वो अवेलेबल है और आप इसे देख सकते हैं हंगामा प्ले ऐप पे जाके जी हाँ आपने सही सुना ये जो है आपको मिलेगा हंगामा प्ले ऐप पे जहाँ पर आप इसे बेहद ही अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं और अच्छी बात ये है कि आप इसके कुछ एपिसोड फ्री में देख पाए पर इसके बाद आपके पास प्रीमियम प्लान होना ज़रूरी है फिर आप उसे जो है एक्सेस कर पाएंगे तो अभी जाइए हंगामा प्ले ऐप पे वहाँ पर जाकर इस कमाल के शो को देखिए ये आपको कैसा लगता है फिर आप मुझे बताइए जो लिड काफ्ट इसके अंदर आपको शिल्पा टुस्लाकर अदा खान क्रिश्ता मुखर्जी बीन राना सना सैयद मोनालिसा रवि भाटिया सुनील भार्गव आयुष आनंद सिद्धार्थ शर्मा साहिल उपल बेशक आप में से बहुत लोग इनके बारे में नहीं जानते होंगे क्योंकि यहाँ पर जो कास्टिंग है वो एकदम नई है इससे पहले इसका यूट्यूब पर एक ट्रेलर भी अवेलेबल है अगर आप देखना चाहें तो उसे भी देख सकते हैं फिर आप लोग पूरी सीरीज को देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर हम बात करें मूवी के बारे में या फिर सीरीज़ के बारे में तो दोस्तों अगर आप इसके जो सभी जो पार्ट से अगर आप इन्हें मार्च पर कर लेंगे तो इसका रन टाइम भी लगभग एक मूवी के समान है हालांकि इसके बहुत सारे एपिसोड अवेलेबल हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये आपको मिल जाएंगे जैसे कि ये हंगामा अपले ऐप पर भी है जी फाइव भी है आप दोनों जगह से देख सकते हैं और हो सकता है कि दोनों अलग अलग, अलग निकले या फिर एक ही हो खैर मैंने इसे पूरा नहीं देखा है मैं आपको कुछ यहाँ पर मोटी मोटी बातें इसके बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि दोस्तों इस नाम से बहुत सारी जो है वो फ़िल्में भी उपलब्ध है और कुछ मूवीज़ भी आपको देखने को मिल जाएंगी हालांकि इसके रिव्यू दोस्तों मिक्स आए थे जो आईएमडीबी है वहां पर भी इसे एक एवरेज स्कोर मिला हुआ है और ऐसे दोस्तों बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल हैं पर हम अभी इसके जो है वो कुछ एपिसोड के बारे में बात करेंगे और ऐसी एक मूवी भी उपलब्ध है आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं हालांकि जो जी फाइव पर अवेलेबल है वो कोई और सीरीज़ है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो जो हंगामा प्ले ऐप है वहाँ पर देखिए तो आपको शायद ये ओरिजिनल देखने को मिले इसके अंदर लगभग आपको पाँच एपिसोड देखने को मिलेंगे और इसका एक ही सीज़न अवेलेबल है बाकी जो हसरत है उसके नाम से कुछ और सीरीज़ भी उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं पर वो मुझे लगता नहीं कि आप उन्हें देखेंगे क्योंकि आप कुछ और देखना चाहते हैं जो कि मैं समझ चुका हूँ अब बात करते हैं आगे इसके कुछ रिव्यूज़ के बारे में और कहानी के बारे में कि कहानी यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलती है तो हालांकि आपने बहुत सारे ऐसे सीरीज़ देखे होगी जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हैं जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है या फिर कुछ आपको दिखाया जाता है तो इसके एपिसोड बहुत ही अच्छे हैं कुछ एपिसोड ऐसे हैं जो आपको बोर नहीं कराएंगे और आप अगर इसे जो देखने बैठेंगे तो ये आपको इतना बोर नहीं कराती है काफ्टिंग भी इसकी ज़बरदस्त है और जो कहानी भी इसके चलती रहती है वो अच्छी है ऐसा नहीं कि आपको हर एपिसोड के अंदर कुछ नया देखने को मिले लगभग एपिसोड के अंदर आपको कहानी वहाँ से देखने को मिलती जहाँ से एंड हो गई थी खैर इसे तो आप अभी के लिए हंगामा प्लेट पे देख सकते हैं यूट्यूब पर यह आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि दोस्त इसकी वजह शायद आप लोग जानते ही हैं कि जो ये प्लेटफॉर्म है हंगामा यूट्यूब पर इसे जो है वो रिलीज नहीं करेंगे जो इसकी दो जो तो लीड कहानी इसके अंदर आपको ये दिखाया है कि हसरत एक संकलन है जो पाँच वास्तविक महिलाओं के जीवन का पता लगाते हैं जो अपनी कामुकता और इच्छा को पता करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं अब वो वक्त क्यों वो तो आपको आगे ही मालूम पड़ेगा पर फ़िलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पर जो आपको कहानी दिखाई जाती है वो अच्छी है फिर यहाँ पर होता यू हो है कि वो इनकी जो इच्छा पता लगाने के लिए वो पुरुषवादी वर्जना के सब बंधनों को तोड़ती है और बस कुछ क्षणों के जो सच्चे जुनून का अनुभव करने के लिए वे समाज परिवार और उनके जीवन को प्रभावित करने और अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न सभी बाधाओं को चुनौतियाँ का सामना करती हैं और उनके लिए तैयारी भी होती है दोस्तों जो हर इंसान है उसकी कहानी अलग होती है और उनकी पसंद भी अलग होती है यहाँ पर आपको जो एपिसोड देखने को मिलते हैं इनमें से अलग अलग नाम यहाँ पे दिए गए हैं वैसे सभी एपिसोड आपको वहीं पर मिल जाएंगे जहाँ पर मैंने आपको कहा है लगभग पाँच एपिसोड यहाँ पर अवेलेबल है और ये जो है अगर आप मार्च करेंगे तो मूवी का जितना ही रन टाइम हो जाएगा जो पहला एपिसोड है इसका नाम यहाँ पर दिया गया था सरारत बाई दूसरा यहाँ पर इज्जत के नाम से है तीसरा यहाँ पे खिलौना चौथा प्लम्बर और एक लास्ट वाला शादी मुबारक पर इनमें से सबसे अच्छा जो एपिसोड मुझे लगा था वो ये लगा था शादी मुबारक वाला जो बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर आपको हर एपिसोड के अंदर एक नई कहानी देखने को मिलेंगी तो इस कमाल की जो सीरीज़ है इसे अगर, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार आप इसे देख सकते हैं ये आपको दोस्तों हंगामा प्ले ऐप पर मिलेंगी जहाँ पर आप इसे देख सकते हैं जो इसका पाँचवा जो एपिसोड है इसके अंदर आपको यही दिखाया गया है जो यहाँ पर जो लीड कास्ट है हर एपिस आपको जो एक नई काफ्ट देखने को मिलती है और यहाँ पर भी जो है वो पाँचवा जो एपिसोड है जो कि सबसे फेमस है और लोग जो उसको जो पसंद किए थे तो वहाँ लेड क्राफ्ट होती है इसका नाम आरती होता है और वो एक आदर्श भारतीय लड़की है और करते हुए निष्ठ बेटी भी है लेकिन उनकी कुछ यहाँ पर जो है वह अनगही इच्छाएं भी होती हैं जो उनके दोस्तों की शरारती बातों और कॉलेज की बस यात्राओं के दौरान एक मुख्य प्रसंग मयंक दैनिक ध्यान से प्रेरित होती हैं और हालांकि दोस्तों हर किसी की पसंद अलग होती है आप इस मूवी को देखेंगे तो समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ दोस्तों इस कमाल की मूवी को देखिए ये आपको कैसी लगती है मुझे बताइए फ़िलहाल ये आपको हंगामा प्ले ऐप पे मिल जाएंगे इसके पाँच एपी फुट अवेलेबल हैं और इसकी जो वन मंथ की सब्सक्रिप्शन है वो आपको नाइन्टी रुपीज़ की बढ़ेंगी मतलब लगभग सौ रुपये की बढ़ेंगी रोज़ाना बहुत सारी कमाल की सीरीज़ आती रहती है और कुछ ऐसी भी होती है जिनकी अगर हम कोई क्लिप देखते हैं तो फिर बाद में उस पूरी सीरीज़ को देखने का डिसाइड करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं इस सीरीज़ के बारे में जान क्या है या फिर आपने कोई वीडियो देखा है तो बिंदास आप लोग मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ ये सीरीज़ हिंदी में आपको कहाँ पर मिलेंगी कितने इसके एपिसोड है क्या ये फ्री अवेलेबल है या नहीं यूट्यूब पर मिलेंगी या नहीं ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के बारे में वीडियो के अंदर बताऊंगा तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इसे इन्जॉय कर पाए तो दोस्तों अगर बात करें सीरीज़ के बारे में तो इसका नाम है हसरत 2022 में से रिलीज़ कराया गया था और पहली बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसे जो है फैमिली का साथ नहीं देख सकते हैं क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर आपको जो कुछ भी दिखाया गया है इसे अगर आप अकेले देख लीजिए तो ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है हालाँकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप अगर इसे देखेंगे तो आप समझ जाएँगे अब यहाँ पर बात करते हैं कि हम इसे हिंदी में कहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसका जो एक सीज़न है वो अवेलेबल है और आप इसे देख सकते हैं हंगामा प्ले ऐप पे जाके जी हाँ आपने सही सुना ये जो है आपको मिलेगा हंगामा प्ले ऐप पे जहाँ पर आप इसे बेहद ही अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं और अच्छी बात ये है कि आप इसके कुछ एपिसोड फ्री में देख पाए पर इसके बाद आपके पास प्रीमियम प्लान होना ज़रूरी है फिर आप उसे जो है एक्सेस कर पाएंगे तो अभी जाइए हंगामा प्ले ऐप पे वहाँ पर जाकर इस कमाल के शो को देखिए ये आपको कैसा लगता है फिर आप मुझे बताइए जो लिड काफ्ट इसके अंदर आपको शिल्पा तुसलाकर अदा खान क्रिश्ता मुखर्जी बीन राना सना सैयद मोना लिसा रवि भाटिया सुनील भार्गव आयुष आनंद सिद्धार्थ शर्मा साहिल उपल बेशक आप में से बहुत लोग इनके बारे में नहीं जानते होंगे क्योंकि यहाँ पर जो तो कास्टिंग है एकदम नई है इससे पहले इसका यूट्यूब पर एक ट्रेलर भी अवेलेबल है अगर आप देखना चाहें तो उसे भी देख सकते हैं फिर आप लोग पूरी सीरीज को देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर हम बात करें मूवी के बारे में या फिर सीरीज़ के बारे में तो दोस्तों अगर आप इसके जो सभी जो पार्ट्स है अगर आप इन्हें मार्च पे कर लेंगे तो इसका रन टाइम भी लगभग एक मूवी के समान है हालांकि इसके बहुत सारे एपिसोड अवेलेबल हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये आपको मिल जाएंगे जैसे कि ये हंगामा प्ले ऐप पर भी है जी फाइव भी है आप दोनों जगह से देख सकते हैं और हो सकता है कि दोनों अलग अलग, अलग निकले या फिर एक ही हो खैर मैंने इसे पूरा नहीं देखा है मैं आपको कुछ यहाँ पर मोटी मोटी बातें इसके बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि दोस्तों इस नाम से बहुत सारी जो है वो फ़िल्में भी उपलब्ध है और कुछ मूवीज़ भी आपको देखने को मिल जाएंगी हालांकि इसके रिव्यू दोस्तों मिक्स आए थे जो आईएमडीबी है वहां पर भी इसे एक एवरेज स्कोर मिला हुआ है और ऐसे दोस्तों बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल हैं पर हम अभी इसके जो है वो कुछ एपिसोड के बारे में बात करेंगे और ऐसी एक मूवी भी उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं हालाँकि जो जी फाइव अवेलेबल है वो कोई और सीरीज़ है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो जो हंगामा प्ले ऐप है वहाँ पर देखिए तो आपको शायद ये ओरिजिनल देखने को मिले इसके अंदर लगभग आपको पाँच एपिसोड देखने को मिलेंगे और इसका एक ही इस सीजन अवेलेबल है बाकी जो हसरत है उसके नाम से कुछ और सीरीज़ भी उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं पर वो मुझे लगता नहीं कि आप उन्हें देखेंगे क्योंकि आप कुछ और देखना चाहते हैं जो कि मैं समझ चुका हूँ अब बात करते हैं आगे इसके कुछ रिव्यूज़ के बारे में और कहानी के बारे में कि कहानी यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलती है तो हालांकि आपने बहुत सारे ऐसे सीरीज़ देखे होगी जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हैं जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है या फिर कुछ आपको दिखाया जाता है तो इसके एपिसोड बहुत ही अच्छे हैं कुछ एपिसोड ऐसे हैं जो आपको बोर नहीं कराएंगे और आप अगर इसे जो देखने बैठेंगे तो ये आपको इतना बोर नहीं कराती है काफ्टिंग भी इसकी ज़बरदस्त है और जो कहानी भी इसकी चलती रहती है वो अच्छी है ऐसा नहीं कि आपको हर एपिसोड के अंदर कुछ नया देखने को मिले लगभग एपिसोड के अंदर आपको कहानी वहाँ से देखने को मिलती है जहाँ से एंड हो गई थी खैर इसे तो आप अभी के लिए हंगामा प्लेट पर देख सकते हैं यूट्यूब पर यह आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि दोस्त इसकी वजह शायद आप लोग जानते ही हैं कि जो ये प्लेटफॉर्म है हंगामा यूट्यूब पर इसे जो है वो रिलीज नहीं करेंगे जो इसकी दोस्तों जो लीड कहानी इसके अंदर आपको ये दिखाया है कि हसरत एक संकलन है जो पांच वास्तविक महिलाओं के जीवन का पता लगाते हैं जो अपनी कामुकता और इच्छा को पता करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं अब वक्त है क्यों वो तो आपको आगे ही मालूम पड़ेगा पर फिलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पर जो आपको कहानी दिखाई जाती है वो अच्छी है फिर यहाँ पर होता यू हो है कि इनकी जो इच्छा पता लगाने के लिए वो पुरुषवादी वर्जना के सब बंधनों को तोड़ती है और बस कुछ क्षणों के जो सच्चे जुनून का अनुभव करने के लिए वे समाज परिवार और उनके जीवन को प्रभावित करने और अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न सभी बाधाओं को चुनौतियाँ का सामना करती हैं और उनके लिए तैयारी भी होती है दोस्तों जो हर इंसान है उसकी कहानी अलग होती है और उनकी पसंद भी अलग होती है यहाँ पर आपको जो एपिसोड देखने को मिलते हैं इनमें से अलग अलग नाम यहाँ पे दिए गए हैं वैसे सभी एपिसोड आपको वहीं पर मिल जाएंगे जहाँ पर मैंने आपको कहा है लगभग पाँच एपिसोड यहाँ पर अवेलेबल है और ये जो है अगर आप मार्च करेंगे तो मूवी का जितना रन टाइम हो जाएगा जो पहला एपिसोड है इसका नाम यहाँ पर दिया गया था सरारत बाई दूसरा यहाँ पर इज्जत के नाम से है तीसरा यहाँ पे खिलौना चौथा प्लंबर और एक लास्ट वाला शादी मुबारक पर इनमें से सबसे अच्छा जो एपिसोड मुझे लगा था वो ये लगा था शादी मुबारक वाला जो बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर आपको हर एपिसोड के अंदर एक नई कहानी देखने को मिलेंगी तो इस कमाल की जो सीरीज़ है इसे अगर, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार आप इसे देख सकते हैं ये आपको दोस्तों हंगामा प्ले ऐप पर मिलेंगी जहाँ पर आप इसे देख सकते हैं जो इसका पाँचवा जो एपिसोड है इसके अंदर आपको यही दिखाया गया है जो यहाँ पर जो लीड कास्ट है हर एपिसोड आपको जो एक नई काफी देखने को मिलती है और यहाँ पर भी जो है वो पाँचवा जो एपिसोड है जो कि सबसे फेमस है और लोग जो जो खूब पसंद किए थे तो वहाँ लेड क्राफ्ट होती है इसका नाम आरती होता है और वो एक आदर्श भारतीय लड़की है और करते हुए निष्ठ बेटी भी है लेकिन उनकी कुछ यहाँ पर जो है वो अनगही इच्छाएँ भी होती हैं जो उनके दोस्तों की शरारती बातों और कॉलेज की बस यात्राओं के दौरान एक मुख्य प्रसंग मयंक दैनिक ध्यान से प्रेरित होती हैं और हालांकि दोस्तों हर किसी की पसंद अलग होती है आप इस मूवी को देखेंगे तो समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ दोस्तों इस कमाल की मूवी को देखिए ये आपको कैसी लगती है मुझे बताइए फ़िलहाल ये आपको हंगामा प्ले ऐप पे मिल जाएंगे इसके पाँच एपी एपिसोड अवेलेबल हैं और इसकी जो वन मंथ की सब्सक्रिप्शन है वो आपको नाइन्टी रुपीज़ की बढ़ेंगी मतलब लगभग लग सौ रुपये की बढ़ेंगी रोजाना बहुत सारी कमाल की सीरीज़ आती रहती है और कुछ ऐसी भी होती है जिनकी अगर हम कोई क्लिप देखते हैं तो फिर बाद में उस पूरी सीरीज़ को देखने का डिसाइड करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं इस सीरीज़ के बारे में जान के आए या फिर आपने कोई वीडियो देखा है तो बिंदास आप लोग मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ ये सीरीज़ हिंदी में आपको कहाँ पर मिलेंगी कितने इसके एपिसोड है क्या ये अवेलेबल है या नहीं यूट्यूब पर मिलेंगी या नहीं ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के बारे में वीडियो के अंदर बताऊंगा तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इसे इंजॉय कर पाए तो दोस्तों अगर बात करें सीरीज़ के बारे में तो इसका नाम है हसरत 2022 में से रिलीज़ कराया गया था और पहली बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इसे जो है फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर आपको जो कुछ भी दिखाया गया है इसे अगर आप अकेले देख लीजिए तो ये अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है हालांकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप अगर इसे देखेंगे तो आप समझ जाएँगे अब यहाँ पर बात करते हैं कि हम इसे हिंदी में कहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसका जो एक सीज़न है वो अवेलेबल है और आप इसे देख सकते हैं हंगामा प्ले ऐप पे जाके जी हाँ आपने सही सुना ये जो है आपको मिलेगा हंगामा प्ले ऐप पे जहाँ पर आप इसे बेहद ही अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं और अच्छी बात ये है कि आप इसके कुछ एपिसोड फ्री में देख पाए पर इसके बाद आपके पास प्रीमियम प्लान होना ज़रूरी है फिर आप उसे जो है एक्सेस कर पाएंगे तो अभी जाइए हंगामा प्ले ऐप पे वहाँ पर जाकर इस कमाल के शो को देखिए ये आपको कैसा लगता है फिर आप मुझे बताइए जो लिड काफ्टी है इसके अंदर आपको शिल्पा टुस्लाकर अदा खान कृष्णा मुखर्जी बीन राना सना सैयद मोना लिसा रवि भाटिया सुनील भार्गव आयुष आनंद सिद्धार्थ शर्मा साहिल उपल बेशक आप में से बहुत लोग इनके बारे में नहीं जानते होंगे क्योंकि यहाँ पर जो कास्टिंग है एकदम नई है इससे पहले इसका यूट्यूब पर एक ट्रेलर भी अवेलेबल है अगर आप देखना चाहें तो उसे भी देख सकते हैं फिर आप लोग पूरी सीरीज़ को देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर हम बात करें मूवी के बारे में या फिर सीरीज़ के बारे में तो दोस्तों अगर आप इसके जो सभी जो पार्ट से अगर आप इन्हें मार्च पे कर लेंगे तो इसका रन टाइम भी लगभग एक मूवी के समान है हालांकि इसके बहुत सारे एपिसोड अवेलेबल हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये आपको मिल जाएंगे जैसे कि हंगामा प्ले ऐप पर भी है जी फाइव भी है आप दोनों जगह से देख सकते हैं और हो सकता है कि दोनों अलग अलग, अलग निकले या फिर एक ही हो खैर मैंने इसे पूरा नहीं देखा है मैं आपको कुछ यहाँ पर मोटी मोटी बातें इसके बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि दोस्तों इस नाम से बहुत सारी जो है वो फ़िल्में भी उपलब्ध है और कुछ मूवीज़ भी आपको देखने को मिल जाएंगी हालांकि इसके रिव्यू दोस्तों मिक्स आए थे जो आईएमडीबी है वहां पर भी इसे एक एवरेज स्कोर मिला हुआ है और ऐसे दोस्तों बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल हैं पर हम अभी इसके जो है वो कुछ एपिसोड के बारे में बात करेंगे और ऐसी एक मूवी भी उपलब्ध है आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं हालांकि जो जी फाइव पर अवेलेबल है वो कोई और सीरीज़ है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो जो हंगामा प्ले ऐप है वहाँ पर देखिए तो आपको शायद ये ओरिजिनल देखने को मिले इसके अंदर लगभग आपको पाँच एपिसोड देखने को मिलेंगे और इसका एक ही सीज़न अवेलेबल है बाकी जो हसरत है उसके नाम से कुछ और सीरीज़ भी उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं पर वो मुझे लगता नहीं कि आप उन्हें देखेंगे क्योंकि आप कुछ और देखना चाहते हैं जो कि मैं समझ चुका हूँ अब बात करते हैं आगे इसके कुछ रिव्यूज़ के बारे में और कहानी के बारे में कि कहानी यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलती है तो हालांकि आपने बहुत सारे ऐसे सीरीज़ देखे होगी जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हैं जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है या फिर कुछ आपको दिखाया जाता है तो इसके एपिसोड बहुत ही अच्छे हैं कुछ एपिसोड ऐसे हैं जो आपको बोर नहीं कराएंगे और आप अगर इसे जो देखने बैठेंगे तो ये आपको इतना बोर नहीं कराती है काफ्टिंग भी इसकी ज़बरदस्त है और जो कहानी भी इसके चलती रहती है वो अच्छी है ऐसा नहीं कि आपको हर एपिसोड के अंदर कुछ नया देखने को मिले लगभग एपिसोड के अंदर आपको कहानी वहाँ से देखने को मिलती जहाँ से एंड हो गई थी खैर इसे तो आप अभी के लिए हंगामा प्लेट पे देख सकते हैं यूट्यूब पर यह आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि दोस्त इसकी वजह शायद आप लोग जानते ही हैं कि जो ये प्लेटफॉर्म है हंगामा यूट्यूब पर इसे जो है वो रिलीज नहीं करेंगे जो इसकी दोस्तों जो तो लीड कहानी इसके अंदर आपको ये दिखाया है कि हसरत एक संकलन है जो पाँच वास्तविक महिलाओं के जीवन का पता लगाते हैं जो अपनी कामुकता और इच्छा को पता करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं अब वक्त है क्यों वो तो आपको आगे ही मालूम पड़ेगा पर फिलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पर जो आपको कहानी दिखाई जाती है वो अच्छी है फिर यहाँ पर होता यू हो है कि वो इनकी जो इच्छा पता लगाने के लिए वो पुरुषवादी वर्जना के सब बंधनों को तोड़ती है और बस कुछ क्षणों के जो सच्चे जुनून का अनुभव करने के लिए वे समाज परिवार और उनके जीवन को प्रभावित करने और अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न सभी बाधाओं को चुनौतियाँ का सामना करती हैं और उनके लिए तैयारी भी होती है दोस्तों जो हर इंसान है उसकी कहानी अलग होती है और उनकी पसंद भी अलग होती है यहाँ पर आपको जो एपिसोड देखने को मिलते हैं इनमें से अलग अलग नाम यहाँ पे दिए गए हैं वैसे सभी एपिसोड आपको वहीं पर मिल जाएंगे जहाँ पर मैंने आपको कहा है लगभग पाँच एपिसोड यहाँ पर अवेलेबल है और ये जो है अगर आप मार्च करेंगे तो मूवी का जितना ही रन टाइम हो जाएगा जो पहला एपिसोड है इसका नाम यहाँ पर दिया गया था सरारत बाई दूसरा यहाँ पर इज्जत के नाम से है तीसरा यहाँ पे खिलौना चौथा प्लम्बर और एक लाफ्तवला शादी मुबारक पर इन में से सबसे अच्छा जो एपिसोड मुझे लगा था वो ये लगा था शादी मुबारक वाला जो बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर आपको हर एपिसोड के अंदर एक नई कहानी देखने को मिलेंगी तो इस कमाल की जो सीरीज़ है इसे अगर, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार आप इसे देख सकते हैं ये आपको दोस्तों हंगामा प्ले ऐप पर मिलेंगी जहाँ पर आप इसे देख सकते हैं जो इसका पाँचवा जो एपिसोड है इसके अंदर आपको यही दिखाया गया है जो यहाँ पर जो लीड कास्ट है हर एपिसोड आपको जो एक नई कास्टिंग देखने को मिलती है और यहाँ पर भी जो है वो पाँचवा जो एपिसोड है जो कि सबसे फेमस है और लोग जो जो खूब पसंद किए थे तो लेट काफ्ट होती है इसका नाम आरती होता है और वो एक आदर्श भारतीय लड़की है और करते हुए निष्ठ बेटी भी है लेकिन उनकी कुछ यहाँ पर जो है वह अनकी इच्छाएं भी होती हैं जो उनके दोस्तों की शरारती बातों और कॉलेज की बस यात्राओं के दौरान एक मुख्य प्रसंग मयंक दैनिक ध्यान से प्रेरित होती है और हालांकि दोस्तों हर किसी की पसंद अलग होती है आप इस मूवी को देखेंगे तो समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ दोस्तों इस कमाल की मूवी को देखिए ये आपको कैसे लगती है मुझे बताइए फ़िलहाल ये आपको हंगामा प्ले ऐप पे मिल जाएंगे इसके पाँच सौ एपी अवेलेबल हैं और इसकी जो वन मंथ की सब्सक्रिप्शन है वो आपको नाइन्टी रुपीज़ की बढ़ेंगी मतलब लगभग सौ रुपये की बढ़ेंगी रोज़ाना बहुत सारी कमाल की सीरीज़ आती रहती है और कुछ ऐसी भी होती है जिनकी अगर हम कोई क्लिप देखते हैं तो फिर बाद में उस पूरी सीरीज़ को देखने का डिसाइड करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं इस सीरीज़ के बारे में जान क्या है या फिर आपने कोई वीडियो देखा है तो बिंदास आप लोग मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ ये सीरीज़ हिंदी में आपको कहाँ पर मिलेंगी कितने इसके एपिसोड है क्या ये प्री अवेलेबल है या नहीं यूट्यूब पर मिलेंगी या नहीं ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के बारे वीडियो के अंदर बताऊंगा तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इसे इंजॉय कर पाए तो दोस्तों अगर बात करें सीरीज़ के बारे में तो इसका नाम है हसरत 2022 में से रिलीज़ कराया गया था और पहली बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इसे जो है फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर आपको जो कुछ भी दिखाया गया है इसे अगर आप अकेले देख लीजिए तो ये अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है हालांकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप अगर इसे देखेंगे तो आप समझ जाएँगे अब यहाँ पर बात करते हैं कि हम इसे हिंदी में कहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसका जो एक सीज़न है वो अवेलेबल है और आप इसे देख सकते हैं हंगामा प्ले ऐप पे जाके जी हाँ आपने सही सुना ये जो है आपको मिलेगा हंगामा प्ले ऐप पे जहाँ पर आप इसे बेहद ही अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं और अच्छी बात ये है कि आप इसके कुछ एपिसोड फ्री में देख पाए पर इसके बाद आपके पास प्रीमियम प्लान होना ज़रूरी है फिर आप उसे जो है एक्सेस कर पाएंगे तो अभी जाइए हंगामा प्ले ऐप पे वहाँ पर जाकर इस कमाल के शो को देखिए ये आपको कैसा लगता है फिर आप मुझे बताइए जो लिड काफ्ट इसके अंदर आपको शिल्पा टुसलाकर अदा खान क्रिश्ता मुखर्जी बीन राना सना सैयद मोनालिसा रवि भाटिया सुनील भार्गव आयुष आनंद सिद्धार्थ शर्मा साहिल उपल बेशक आप में से बहुत लोग इनके बारे में नहीं जानते होंगे क्योंकि यहाँ पर जो तो कास्टिंग है एकदम नई है इससे पहले इसका यूट्यूब पर एक ट्रेलर भी अवेलेबल है अगर आप देखना चाहें तो उसे भी देख सकते हैं फिर आप लोग पूरी सीरीज़ को देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर हम बात करें मूवी के बारे में या फिर सीरीज़ के बारे में तो दोस्तों अगर आप इसके जो सभी जो पार्ट से अगर आप इन्हें मार्च पर कर लेंगे तो इसका रन टाइम भी लगभग एक मूवी के समान है हालांकि इसके बहुत सारे एपिसोड अवेलेबल हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये आपको मिल जाएंगे जैसे कि हंगामा अपले ऐप पर भी है जी फाइव भी है आप दोनों जगह से देख सकते हैं और हो सकता है कि दोनों अलग अलग, अलग निकले या फिर एक ही हो खैर मैंने इसे पूरा नहीं देखा है मैं आपको कुछ यहाँ पर मोटी मोटी बातें इसके बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि दोस्तों इस नाम से बहुत सारी जो है वो फ़िल्में भी उपलब्ध है और कुछ मूवीज़ भी आपको देखने को मिल जाएंगी हालांकि इसके रिव्यू दोस्तों मिक्स आए थे जो आईएमडीबी है वहां पर भी इसे एक एवरेज स्कोर मिला हुआ है और ऐसे दोस्तों बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल हैं पर हम अभी इसके जो है वो कुछ एपिसोड के बारे में बात करेंगे और ऐसी एक मूवी भी उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं हालाँकि जो जी फाइव अवेलेबल है वो कोई और सीरीज़ है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो जो हंगामा प्ले ऐप है वहाँ पर देखिए तो आपको शायद ये ओरिजिनल देखने को मिले इसके अंदर लगभग आपको पाँच एपिसोड देखने को मिलेंगे और इसका एक ही सीजन अवेलेबल है बाकी जो असरत है उसके नाम से कुछ और सीरीज़ भी उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं पर वो मुझे लगता नहीं कि आप उन्हें देखेंगे क्योंकि आप कुछ और देखना चाहते हैं जो कि मैं समझ चुका हूँ अब बात करते हैं आगे इसके कुछ रिव्यूज़ के बारे में और कहानी के बारे में कि कहानी यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलती है तो हालांकि आपने बहुत सारी ऐसी सीरीज़ देखी होगी जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हैं जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है या फिर कुछ आपको दिखाया जाता है तो इसके एपिसोड बहुत ही अच्छे हैं कुछ एपिसोड ऐसे हैं जो आपको बोर नहीं कराएंगे और आप अगर इसे जो देखने बैठेंगे तो ये आपको इतना बोर नहीं कराती है काफ्टिंग भी इसकी ज़बरदस्त है और जो कहानी भी इसकी चलती रहती है वो अच्छी है ऐसा नहीं कि आपको हर एपिसोड के अंदर कुछ नया देखने को मिले लगभग एपिसोड के अंदर आपको कहानी वहाँ से देखने को मिलती जहाँ से एंड हो गई थी खैर इसे तो आप अभी के लिए हंगामा प्लेट पे देख सकते हैं यूट्यूब पर ये आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि दोस्त इसकी वजह शायद आप लोग जानते ही हैं कि जो ये प्लेटफॉर्म है हंगामा यूट्यूब पर इसे जो है वो रिलीज़ नहीं करेंगे जो इसकी दोस्तों जो लीड कहानी इसके अंदर आपको ये दिखाया है कि हसरत एक संकलन है जो पांच वास्तविक महिलाओं के जीवन का पता लगाते हैं जो अपनी कामुकता और इच्छा को पता करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं अब वो वक्त क्यों वो तो आपको आगे ही मालूम पड़ेगा पर फिलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पर जो आपको कहानी दिखाई जाती है वो अच्छी है फिर यहाँ पर होता यू हो है कि लग इनकी जो इच्छा का पता लगाने के लिए वो पुरुषवादी वर्जना के सब बंधनों को तोड़ती है और बस कुछ अड़ों के जो सच्चे जुनून का अनुभव करने के लिए वे समाज परिवार और उनके जीवन को प्रभावित करने और अन्य कार्य को द्वारा उत्पन्न सभी बाधाओं को चुनौतियाँ का सामना करती है और उनके लिए तैयारी भी होती है दोस्तों जो हर इंसान है उसकी कहानी अलग होती है और उनकी पसंद भी अलग होती है यहाँ पर आपको जो एपिसोड देखने को मिलते हैं इनमें से अलग अलग नाम यहाँ पे दिए गए हैं वैसे सभी एपिसोड आपको वहीं पर मिल जाएंगे जहाँ पर मैंने आपको कहा है लगभग पाँच एपिसोड यहाँ पे अवेलेबल है और ये जो है अगर आप मार्च करेंगे तो मूवी का जितना ही रेन टाइम हो जाएगा जो पहला एपिसोड है इसका नाम यहाँ पर दिया गया था सरारत बाई दूसरा यहाँ पर इज्जत के नाम से तीसरा यहाँ पर खिलौना चौथा प्लंबर और एक लास्ट वाला शादी मुबारक पर इनमें से सबसे अच्छा जो एपिसोड मुझे लगा था वो ये लगा था शादी मुबारक वाला जो बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर आपको हर एपिसोड के अंदर एक नई कहानी देखने को मिलेंगी तो इस कमाल की जो सीरीज़ है इसे अगर, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार आप इसे देख सकते हैं ये आपको दोस्तों हंगामा प्ले ऐप पर मिलेंगी जहाँ पर आप इसे देख सकते हैं जो इसका पाँचवा जो एपिसोड है इसके अंदर आपको यही दिखाया गया है जो यहाँ पर जो लीड कास्ट है हर एपिसोड पर आपको जो नई काफ्ट देखने को मिलती है और यहाँ पर भी जो है वो पाँचवा जो एपिसोड है जो कि सबसे फेमस है और लोग जो जो खूब पसंद किए थे तो लेट काफ्ट होती है इसका नाम आरती होता है और वो एक आदर्श आरती लड़की है और करते हुए बेटी भी है लेकिन उनकी कुछ यहाँ पर जो है वह अनकी इच्छाएँ भी होती हैं जो उनके दोस्तों की शरारती बातों और कॉलेज की बस यात्राओं के दौरान एक मुख्य प्रसंग मयंक दैनिक ध्यान से प्रेरित होती है और हालांकि दोस्तों हर किसी की पसंद अलग होती है आप इस मूवी को देखेंगे तो समझ जाएंगे मैं क्या ना क्या चाहता हूँ दोस्तों इस कमाल की मूवी को देखिए ये आपको कैसे लगती है मुझे बताइए फिलहाल ये आपको हंगामा प्ले ऐप पे मिल जाएंगे इसके पाँच एपी फुट अवेलेबल हैं और इसकी जो वन मंथ की सब्सक्रिप्शन है वो आपको नाइन्टी रुपीज़ की बढ़ेंगी मतलब लगभग सौ रुपये की बढ़ेंगी रोज़ाना बहुत सारी कमाल की सीरीज़ आती रहती है और कुछ ऐसी भी होती है जिनकी अगर हम कोई क्लिप देखते हैं तो फिर बाद में उस पूरी सीरीज़ को देखने का डिसाइड करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं इस सीरीज़ के बारे में जान के आए हैं या फिर आपने कोई वीडियो देखा है तो बिंदा सा आप लोग मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ ये सीरीज़ हिंदी में आपको कहाँ पर मिलेंगी कितने इसके एपिसोड है क्या ये अवेलेबल है या नहीं यूट्यूब पर मिलेंगी या नहीं ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के बारे में वीडियो के अंदर बताऊँगा तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इसे इन्जॉय कर पाए तो दोस्तों अगर बात करें सीरीज़ के बारे में तो इसका नाम है हसरत 2022 में से रिलीज़ कराया गया था और पहली बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इसे जो है फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर आपको जो कुछ भी दिखाया गया है इसे अगर आप अकेले देख लीजिए तो यही अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है हालांकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप अगर इसे देखेंगे तो आप समझ जाएंगे अब यहाँ पर बात करते हैं कि हम इसे हिंदी में कहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसका जो एक सीज़न है वो अवेलेबल है और आप इसे देख सकते हैं हंगामा प्ले ऐप पे जाके जी हाँ आपने सही सुना ये जो है आपको मिलेगा हंगामा प्ले ऐप पे जहाँ पर आप इसे बेहद ही अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं और अच्छी बात ये है कि आप इसके कुछ एपिसोड फ्री में देख पाए पर इसके बाद आपके पास प्रीमियम प्लान होना ज़रूरी है फिर आप उसे जो है एक्सेस कर पाएंगे तो अभी जाइए हंगामा प्ले ऐप पे वहाँ पर जाकर इस कमाल के शो को देखिए ये आपको कैसा लगता है फिर आप मुझे बताइए जो लिड काफ्ट इसके अंदर आपको शिल्पा तुसलाकर अदा खान क्रिश्ता मुखर्जी बीन राना सना सैयद मोनालिसा रवि भाटिया सुनील भार्गव आयुष आनंद सिद्धार्थ शर्मा साहिल उपल बेशक आप में से बहुत लोग इनके बारे में नहीं जानते होंगे क्योंकि यहाँ पर जो तो कास्टिंग है एकदम नई है इससे पहले इसका यूट्यूब पर एक ट्रेलर भी अवेलेबल है अगर आप देखना चाहें तो उसे भी देख सकते हैं फिर आप लोग पूरी सीरीज़ को देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर हम बात करें मूवी के बारे में या फिर सीरीज़ के बारे में तो दोस्तों अगर आप इसके जो सभी जो पार्ट से अगर आप इन्हें मार्च पर कर लेंगे तो इसका रन टाइम भी लगभग एक मूवी के समान है हालांकि इसके बहुत सारे एपिसोड अवेलेबल हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये आपको मिल जाएंगे जैसे कि हंगामा प्ले ऐप पर भी है जी फाइव भी है आप दोनों जगह से देख सकते हैं और हो सकता है कि दोनों अलग अलग, अलग निकले या फिर एक ही हो खैर मैंने इसे पूरा नहीं देखा है मैं आपको कुछ यहाँ पर मोटी मोटी बातें इसके बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि दोस्तों इस नाम से बहुत सारी जो है वो फ़िल्में भी उपलब्ध है और कुछ मूवीज़ भी आपको देखने को मिल जाएंगी हालांकि इसके रिव्यू दोस्तों मिक्स आए थे जो आई है वहाँ पर भी इसे एक एवरेज स्कोर मिला हुआ है और ऐसे दोस्तों बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल हैं पर हम अभी इसके जो है वो कुछ एपिसोड के बारे में बात करेंगे और ऐसी एक मूवी भी उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं हालांकि जो जी फाइव पर अवेलेबल है वो कोई और सीरीज़ है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो जो हंगामा प्ले ऐप है वहाँ पर देखिए तो आपको शायद ये ओरिजिनल देखने को मिले इसके अंदर लगभग आपको पाँच एपिसोड देखने को मिलेंगे और इसका एक ही सीजन अवेलेबल है बाकी जो असरत है उसके नाम से कुछ और सीरीज़ भी उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं पर वो मुझे लगता नहीं कि आप उन्हें देखेंगे क्योंकि आप कुछ और देखना चाहते हैं जो कि मैं समझ चुका हूँ अब बात करते हैं आगे इसके कुछ रिव्यूज़ के बारे में और कहानी के बारे में कि कहानी यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलती है तो हालांकि आपने बहुत सारे ऐसे सीरीज़ देखे होगी जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हैं जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है या फिर कुछ आपको दिखाया जाता है तो इसके एपिसोड बहुत ही अच्छे हैं कुछ एपिसोड ऐसे हैं जो आपको बोर नहीं कराएंगे और आप अगर इसे जो देखने बैठेंगे तो ये आपको इतना बोर नहीं कराती है काफ्टिंग भी इसकी ज़बरदस्त है और जो कहानी भी इसकी चलती रहती है वो अच्छी है ऐसा नहीं कि आपको हर एपिसोड के अंदर कुछ नया देखने को मिले लगभग एपिसोड के अंदर आपको कहानी वहाँ से देखने को मिलती जहाँ से एंड हो थी खैर इसे तो आप अभी के लिए हंगामा प्लेट पे देख सकते हैं यूट्यूब पर ये आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि दोस्त इसकी वजह शायद आप लोग जानते ही हैं कि जो ये प्लेटफॉर्म है हंगामा यूट्यूब पर इसे जो है वो रिलीज़ नहीं करेंगे जो इसकी दोस्तों जो लीड कहानी इसके अंदर आपको ये दिखाया है कि हसरत एक संकलन है जो पांच वास्तविक महिलाओं के जीवन का पता लगाते हैं जो अपनी कामुकता और इच्छा को पता करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं अब वक्त क्यों वो तो आपको आगे ही मालूम पड़ेगा पर फिलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पर जो आपको कहानी दिखाई जाती है वो अच्छी है फिर यहाँ पर होता यू हो है कि लग इनकी जो इच्छा है पता लगाने के लिए वो पुरुषवादी वर्जना के सब बंधनों को तोड़ती है और बस कुछ क्षणों के जो सच्चे जुनून का अनुभव करने के लिए वे समाज परिवार और उनके जीवन को प्रभावित करने और अन्य कार्य को द्वारा उत्पन्न सभी बाधाओं को चुनौतियाँ का सामना करती है और उनके लिए तैयारी भी होती है दोस्तों जो हर इंसान है उसकी कहानी अलग होती है और उनकी पसंद भी अलग होती है यहाँ पर आपको जो एपिसोड देखने को मिलते हैं इनमें से अलग अलग नाम यहाँ पे दिए गए हैं वैसे सभी एपिसोड आपको वहीं पर मिल जाएंगे जहाँ पर मैंने आपको कहा है लगभग पाँच एपिसोड यहाँ पे अवेलेबल है और ये जो है अगर आप मार्च करेंगे तो मूवी का जितना ही रन टाइम हो जाएगा जो पहला एपिसोड है इसका नाम यहाँ पर दिया गया था सरारत बाई दूसरा यहाँ पर इज्ज़त के नाम से तीसरा यहाँ पर खिलौना चौथा प्लंबर और एक वाला शादी मुबारक पर इनमें से सबसे अच्छा जो एपिसोड मुझे लगा था वो ये लगा था शादी मुबारक वाला जो बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर आपको हर एपिसोड के अंदर एक नई कहानी देखने को मिलेंगी तो इस कमाल की जो सीरीज़ है इसे अगर, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार आप इसे देख सकते हैं ये आपको दोस्तों हंगामा प्ले ऐप पर मिलेंगी जहाँ पर आप इसे देख सकते हैं जो इसका पाँचवा जो एपिसोड है इसके अंदर आपको यही दिखाया गया है जो यहाँ पर जो लीड कास्ट है हर एपिसोड पर आपको जो एक नई कास्टिंग देखने को मिलती है और यहाँ पर भी जो है वो पाँचवा जो एपिसोड है जो कि सबसे फेमस है और लोग जो जो खूब पसंद किए थे तो वहाँ लेट काफ्ट होती है इसका नाम आरती होता है और वो एक आदर्श भारतीय लड़की है और करते हुए निष्ठ बेटी भी है लेकिन उनकी कुछ यहाँ पर जो है वो वह अनक इच्छाएँ भी होती हैं जो उनके दोस्तों की शरारती बातों और कॉलेज की बस यात्राओं के दौरान एक मुख्य प्रसंग मयंक के दैनिक ध्यान से प्रेरित होती है और हालांकि दोस्तों हर किसी की पसंद अलग होती है आप इस मूवी को देखेंगे तो समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ दोस्तों इस कमाल की मूवी को देखिए ये आपको कैसी लगती है मुझे बताइए फ़िलहाल ये आपको हंगाम अपने ऐप पे मिल जाएंगे इसके पाँच सौ एपिसोड अवेलेबल हैं और इसकी जो वन मंथ की सब्सक्रिप्शन है वो आपको नाइन्टी रुपीज़ तो की बढ़ेंगी मतलब लगभग सौ रुपये की बढ़ेंगी रोज़ाना बहुत सारी कमाल की सीरीज आती रहती है और कुछ ऐसी भी होती है जिनकी अगर हम कोई क्लिप देखते हैं तो फिर बाद में उस पूरी सीरीज़ को देखने का डिसाइड करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं इस सीरीज़ के बारे में जान के आए हैं या फिर आपने कोई वीडियो देखा है तो बिंदा सा आप लोग मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ ये सीरीज़ हिंदी में आपको कहाँ पर मिलेंगी कितने इसके एपिसोड है क्या ये अवेलेबल है या नहीं यूट्यूब पर मिलेंगी या नहीं ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के बारे वीडियो के अंदर बताऊँगा तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इसे इंजॉय कर पाए तो दोस्तों अगर बात करें सीरीज़ के बारे में तो इसका नाम है हसरत 2022 में से रिलीज़ कराया गया था और पहली बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इसे जो है फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर आपको जो कुछ भी दिखाया गया है इसे अगर आप अकेले देख लीजिए तो यही अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है हालांकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप अगर इसे देखेंगे तो आप समझ जाएंगे अब यहाँ पर बात करते हैं कि हम इसे हिंदी में कहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसका जो एक सीज़न है वो अवेलेबल है और आप इसे देख सकते हैं हंगामा प्ले ऐप पे जाके जी हाँ आपने सही सुना ये जो है आपको मिलेगा हंगामा प्ले ऐप पे जहाँ पर आप इसे बेहद ही अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं और अच्छी बात ये है कि आप इसके कुछ एपिसोड फ्री में देख पाए पर इसके बाद आपके पास प्रीमियम प्लान होना ज़रूरी है फिर आप उसे जो है एक्सेस कर पाएंगे तो अभी जाइए हंगामा प्ले ऐप पे वहाँ पर जाकर इस कमाल के शो को देखिए ये आपको कैसा लगता है फिर आप मुझे बताइए जो लिड काफ्ट इसके अंदर आपको शिल्पा टुसलाकर अदा खान क्रिश्ता मुखर्जी बीन राना सना सैयद मोनालिसा रवि भाटिया सुनील भार्गव आयुष आनंद सिद्धार्थ शर्मा साहिल उपल बेशक आप में से बहुत लोग इनके बारे में नहीं जानते होंगे क्योंकि यहाँ पर जो कास्टिंग है एकदम नई है इससे पहले इसका यूट्यूब पर एक ट्रेलर भी अवेलेबल है अगर आप देखना चाहें तो उसे भी देख सकते हैं फिर आप लोग पूरी सीरीज़ को देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर हम बात करें मूवी के बारे में या फिर सीरीज़ के बारे में तो दोस्तों अगर आप इसके जो सभी जो पार्ट से अगर आप इन्हें मार्च पर कर लेंगे तो इसका रन टाइम भी लगभग एक मूवी के समान है हालांकि इसके बहुत सारे एपिसोड अवेलेबल हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये आपको मिल जाएंगे जैसे कि हंगामा प्ले ऐप पर भी है जी फाइव भी है आप दोनों जगह से देख सकते हैं पर हो सकता है कि दोनों अलग अलग निकले या फिर एक ही हो खैर मैंने इसे पूरा नहीं देखा है मैं आपको कुछ यहाँ पर मोटी मोटी बातें इसके बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि दोस्तों इस नाम से बहुत सारी जो है वो फिल्में भी उपलब्ध है और कुछ मूवीज़ भी आपको देखने को मिल जाएंगी हालांकि इसके रिव्यू दोस्तों मिक्स आए थे जो आई है वहाँ पर भी इसे एक एवरेज स्कोर मिला हुआ है और ऐसे दोस्तों बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल है पर हम अभी इसके जो है वो कुछ एपिसोड के बारे में बात करेंगे और ऐसी एक मूवी भी उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं हालांकि जो जी फाइव पर अवेलेबल है वो कोई और सीरीज़ है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो जो हंगामा प्ले ऐप है वहाँ पर देखिए तो आपको शायद ये ओरिजिनल देखने को मिले इसके अंदर लगभग आपको पाँच एपिसोड देखने को मिलेंगे और इसका एक ही सीजन अवेलेबल है बाकी जो हसरत है उसके नाम से कुछ और सीरीज़ भी उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं पर वो मुझे लगता नहीं कि आप उन्हें देखेंगे क्योंकि आप कुछ और देखना चाहते हैं जो कि मैं समझ चुका हूँ अब बात करते हैं आगे इसके कुछ रिव्यूज़ के बारे में और कहानी के बारे में कि कहानी यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलती है तो हालांकि आपने बहुत सारी ऐसी सीरीज़ देखी होगी जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हैं जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है या फिर कुछ आपको दिखाया जाता है तो इसके एपिसोड बहुत ही अच्छे हैं कुछ एपिसोड ऐसे हैं जो आपको बोर नहीं कराएंगे और आप अगर इसे जो देखने बैठेंगे तो ये आपको इतना बोर नहीं कराती है काफ्टिंग भी इसकी ज़बरदस्त है और जो कहानी भी इसके चलती रहती है वो अच्छी है ऐसा नहीं कि आपको हर एपिसोड के अंदर कुछ नया देखने को मिले लगभग एपिसोड के अंदर आपको कहानी वहाँ से देखने को मिलती जहाँ से एंड हो भी थी खैर इसे तो आप अभी के लिए हंगामा प्लेट पे देख सकते हैं यूट्यूब पर यह आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि दोस्त इसकी वजह शायद आप लोग जानते ही हैं कि जो ये प्लेटफॉर्म है हंगामा यूट्यूब पर इसे जो है वो रिलीज़ नहीं करेंगे जो इसकी दो जो तो लीड कहानी इसके अंदर आपको ये दिखाया है कि हसरत एक संकलन है जो पाँच वास्तविक महिलाओं के जीवन का पता लगाते हैं जो अपनी कामुकता और इच्छा को पता करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं अब वक्त है क्यों वो तो आपको आगे ही मालूम पड़ेगा पर फ़िलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पर जो आपको कहानी दिखाई जाती है वो अच्छी है फिर यहाँ पर होता यू हो है कि लग वो इनकी जो इच्छा पता लगाने के लिए वो पुरुषवादी वर्जना के सब बंधनों को तोड़ती है और बस कुछ क्षणों के जो सच्चे जुनून का अनुभव करने के लिए वे समाज परिवार और उनके जीवन को प्रभावित करने और अन्य कार को द्वारा उत्पन्न सभी बाधाओं को चुनौतियाँ का सामना करती हैं और उनके लिए तैयारी भी होती है दोस्तों जो हर इंसान है उसकी कहानी अलग होती है और उनकी पसंद भी अलग होती है यहाँ पर आपको जो एपिसोड देखने को मिलते हैं इनमें से अलग अलग नाम यहाँ पे दिए गए हैं वैसे सभी एपिसोड आपको वहीं पर मिल जाएंगे जहाँ पर मैंने आपको कहा है लगभग पाँच एपिसोड यहाँ पे अवेलेबल है और ये जो है अगर आप मार्च करेंगे तो मूवी का जितना ही रेन टाइम हो जाएगा जो पहला एपिसोड है इसका नाम यहाँ पर दिया गया था सरारत बाई दूसरा यहाँ पर इज्ज़त के नाम से है तीसरा यहाँ पर खिलौना चौथा प्लंबर और एक लास्ट वाला शादी मुबारक पर इनमें से सबसे अच्छा जो एपिसोड मुझे लगा था वो ये लगा था शादी मुबारक वाला जो बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर आपको हर एपिसोड के अंदर एक नई कहानी देखने को मिलेंगी तो इस कमाल की जो सीरीज़ है इसे अगर, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार आप इसे देख सकते हैं ये आपको दोस्तों हंगामा प्ले ऐप पर मिलेंगी जहाँ पर आप इसे देख सकते हैं जो इसका पाँचवा जो एपिसोड है इसके अंदर आपको यही दिखाया गया है जो यहाँ पर जो लीड कास्ट है हर एपिसोड आपको जो एक नई कास्टिंग देखने को मिलती है और यहाँ पर भी जो है वो पाँचवा जो एपिसोड है जो कि सबसे फेमस है और लोग जो जो को पसंद किए थे तो वहाँ लेड क्राफ्ट होती है इसका नाम आरती होता है और वे एक आदर्श आरती लड़की है और करते हुए निष्ठ बेटी भी है लेकिन उनकी कुछ यहाँ पर जो है वह अनगही इच्छाएं भी होती हैं जो उनके दोस्तों की शरारती बातों और कॉलेज की बस यात्राओं के दौरान एक मुख्य प्रसंग मयंक दैनिक ध्यान से प्रेरित होती हैं और हालांकि दोस्तों हर किसी की पसंद अलग होती है आप इस मूवी को देखेंगे तो समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ दोस्तों इस कमाल की मूवी को देखिए ये आपको कैसी लगती है मुझे बताइए फ़िलहाल ये आपको हंगामा प्ले ऐप पे मिल जाएंगे इसके पाँचों एपिसोड अवेलेबल हैं और इसकी जो वन मंथ की सब्सक्रिप्शन है वो आपको नाइन्टी रुपीज़ की बढ़ेंगी मतलब लगभग सौ रुपये की बढ़ेंगी रोजाना बहुत सारी कमाल की सीरीज़ आती रहती है और कुछ ऐसी भी होती है जिनकी अगर हम कोई क्लिप देखते हैं तो फिर बाद में उस पूरी सीरीज़ को देखने का डिसाइड करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं इस सीरीज़ के बारे में जान के आए हैं या फिर आपने कोई वीडियो देखा है तो बिंदा सा आप लोग मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ ये सीरीज़ हिंदी में आपको कहाँ पर मिलेंगी कितने इसके एपिसोड है क्या ये अवेलेबल है या नहीं यूट्यूब पर मिलेंगी या नहीं ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के बारे वीडियो के अंदर बताऊँगा तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इसे इंजॉय कर पाए तो दोस्तों अगर बात करें सीरीज़ के बारे में तो इसका नाम है हसरत 2022 में से रिलीज़ कराया गया था और पहली बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसे जो है फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर आपको जो कुछ भी दिखाया गया है इसे अगर आप अकेले देख लीजिए तो यही अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है हालांकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप अगर इसे देखेंगे तो आप समझ जाएँगे अब यहाँ पर बात करते हैं कि हम इसे हिंदी में कहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसका जो एक सीज़न है वो अवेलेबल है और आप इसे देख सकते हैं हंगामा प्ले ऐप पे जाके जी हाँ आपने सही सुना ये जो है आपको मिलेगा हंगामा प्ले ऐप पे जहाँ पर आप इसे बेहद ही अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं और अच्छी बात यह है कि आप इसके कुछ एपिसोड फ्री में देख पाए पर इसके बाद आपके पास प्रीमियम प्लान होना ज़रूरी है फिर आप उसे जो है एक्सेस कर पाएंगे तो अभी जाइए हंगामा प्ले ऐप पे वहाँ पर जाकर इस कमाल के शो को देखिए ये आपको कैसा लगता है फिर आप मुझे बताइए जो लिड काफ्ट इसके अंदर आपको शिल्पा तुसलाकर अदा खान कृष्णा मुखर्जी बीन राना सना सैयद मोनालिसा रवि भाटिया सुनील भार्गव आयुष आनंद सिद्धार्थ शर्मा साहिल उपल बेशक आप में से बहुत लोग इनके बारे में नहीं जानते होंगे क्योंकि यहाँ पर जो कास्टिंग है एकदम नई है इससे पहले इसका यूट्यूब पर एक ट्रेलर भी अवेलेबल है अगर आप देखना चाहें तो उसे भी देख सकते हैं फिर आप लोग पूरी सीरीज को देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर हम बात करें मूवी के बारे में या फिर सीरीज़ के बारे में तो दोस्तों अगर आप इसके जो सभी जो पार्ट से अगर आप इन्हें मार्च पे कर लेंगे तो इसका रन टाइम भी लगभग एक मूवी के समान है हालांकि इसके बहुत सारे एपिसोड अवेलेबल हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह आपको मिल जाएंगे जैसे कि हंगामा प्ले ऐप पर भी है जी फाइव भी है आप दोनों जगह से देख सकते हैं और हो सकता है कि दोनों अलग अलग, अलग निकले या फिर एक ही हो खैर मैंने इसे पूरा नहीं देखा है मैं आपको कुछ यहाँ पर मोटी मोटी बातें इसके बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि दोस्तों इस नाम से बहुत सारी जो है वो फ़िल्में भी उपलब्ध है और कुछ मूवीज़ भी आपको देखने को मिल जाएंगी हालांकि इसके रिव्यू दोस्तों मिक्स आए थे जो आईएमडीबी है वहां पर भी इसे एक एवरेज स्कोर मिला हुआ है और ऐसे दोस्तों बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल है पर हम अभी इसके जो है वो कुछ एपिसोड के बारे में बात करेंगे और ऐसी एक मूवी भी उपलब्ध है आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं हालांकि जो जी फाइव अवेलेबल है वो कोई और सीरीज़ है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो जो हंगामा प्ले ऐप है वहाँ पर देखिए तो आपको शायद ये ओरिजिनल देखने को मिले इसके अंदर लगभग आपको पाँच एपिसोड देखने को मिलेंगे और इसका एक ही सीजन अवेलेबल है बाकी जो हसरत है उसके नाम से कुछ और सीरीज़ भी उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं पर वो मुझे लगता नहीं कि आप उन्हें देखेंगे क्योंकि आप कुछ और देखना चाहते हैं जो कि मैं समझ चुका हूँ अब बात करते हैं आगे इसके कुछ रिव्यूज़ के बारे में और कहानी के बारे में कि कहानी यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलती है तो हालांकि आपने बहुत सारी ऐसी सीरीज़ देखी होगी जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हैं जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है या फिर कुछ आपको दिखाया जाता है तो इसके एपिसोड बहुत ही अच्छे हैं कुछ एपिसोड ऐसे हैं जो आपको बोर नहीं कराएंगे और आप अगर इसे जो देखने बैठेंगे तो ये आपको इतना बोर नहीं कराती है काफ्टिंग भी इसकी ज़बरदस्त है और जो कहानी भी इसके चलती रहती है वो अच्छी है ऐसा नहीं कि आपको हर एपिसोड के अंदर कुछ नया देखने को मिले लगभग एपिसोड के अंदर आपको कहानी वहाँ से देखने को मिलती जहाँ से एंड हो गई थी खैर इसे तो आप अभी के लिए हंगामा प्लेट पे देख सकते हैं यूट्यूब पर ये आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि दोस्त इसकी वजह शायद आप लोग जानते ही हैं कि जो ये प्लेटफॉर्म है हंगामा यूट्यूब पर इसे जो है वो रिलीज़ नहीं करेंगे जो इसकी दोस्तों जो तो लीड कहानी इसके अंदर आपको ये दिखाया है कि हसरत एक संकलन है जो पाँच वास्तविक महिलाओं के जीवन का पता लगाते हैं जो अपनी कामुकता और इच्छा को पता करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं अब वो क्यों वो तो आपको आगे ही मालूम पड़ेगा पर फिलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पर जो आपको कहानी दिखाई जाती है वो अच्छी है फिर यहाँ पर होता यू हो है कि इनकी जो इच्छा पता लगाने के लिए वो पुरुषवादी वर्जना के सब बंधनों को तोड़ती हैं और बस कुछ अड़ों के जो सच्चे जुनून का अनुभव करने के लिए वे समाज परिवार और उनके जीवन को प्रभावित करने और अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न सभी बाधाओं को चुनौतियाँ का सामना करती हैं और उनके लिए तैयारी भी होती है दोस्तों जो हर इंसान है उसकी कहानी अलग होती है और उनकी पसंद भी अलग होती है यहाँ पर आपको जो एपिसोड देखने को मिलते हैं इनमें से अलग अलग नाम यहाँ पे दिए गए हैं वैसे सभी एपिसोड आपको वहीं पर मिल जाएंगे जहाँ पर मैंने आपको कहा है लगभग पाँच एपिसोड यहाँ पे अवेलेबल है और ये जो है अगर आप मार्च करेंगे तो मूवी का जितना ही रन टाइम हो जाएगा जो पहला एपिसोड है इसका नाम यहाँ पर दिया गया था सरारत बाई दूसरा यहाँ पर इज्जत के नाम से है तीसरा यहाँ पे खिलौना चौथा प्लम्बर और एक लाफ्ट शादी मुबारक पर इनमें से सबसे अच्छा जो एपिसोड मुझे लगा था वो ये लगा था शादी मुबारक वाला जो बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर आपको हर एपिसोड के अंदर एक नई कहानी देखने को मिलेंगी तो इस कमाल की जो सीरीज़ है इसे अगर, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार आप इसे देख सकते हैं ये आपको दोस्तों हंगामा प्ले ऐप पे मिलेंगी जहाँ पर आप इसे देख सकते हैं जो इसका पांचवा जो एपिसोड है इसके अंदर आपको यही दिखाया गया है जो यहाँ पर जो लीड कास्ट है हर एपिस आपको जो एक नई काफ्ट देखने को मिलती है और यहाँ पर भी जो है वो पाँचवा जो एपिसोड है जो कि सबसे फेमस है और लोग जो जो को पसंद किए थे तो वहाँ लेड क्राफ्ट होती है इसका नाम आरती होता है और वो एक आदर्श भारतीय लड़की है और करते हुए निष्ठ बेटी भी है लेकिन उनकी कुछ यहाँ पर जो है वो वह अनगही इच्छाएँ भी होती है जो उनके दोस्तों की शरारती बातों और कॉलेज की बस यात्राओं के दौरान एक मुख्य प्रसंग मयंक दैनिक ध्यान से प्रेरित होती है और हालांकि दोस्तों हर किसी की पसंद अलग होती है आप इस मूवी को देखेंगे तो समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ दोस्तों इस कमाल की मूवी को देखिए ये आपको कैसी लगती है मुझे बताइए फ़िलहाल ये आपको हंगामा प्ले ऐप पे मिल जाएंगे इसके पाँचों एपिसोड अवेलेबल हैं और इसके जो वन मंथ की सब्सक्रिप्शन है वो आपको नाइन्टी रुपीज़ की बढ़ेंगी मतलब लगभग सौ रुपये की बढ़ेंगी तो रोज़ाना बहुत सारी कमाल की सीरीज आती रहती है और कुछ ऐसी भी होती है जिनकी अगर हम कोई क्लिप देखते हैं तो फिर बाद में उस पूरी सीरीज़ को देखने का डिसाइड करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं इस सीरीज़ के बारे में जान क्या है या फिर आपने कोई वीडियो देखा है तो बिंदा सा आप लोग मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ ये सीरीज़ हिंदी में आपको कहाँ पर मिलेंगी कितने इसके एपिसोड है क्या ये फ्री अवेलेबल है या नहीं यूट्यूब पर मिलेंगी या नहीं ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के बारे में वीडियो के अंदर बताऊंगा तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी इसे इन्जॉय कर पाए तो दोस्तों अगर बात करें सीरीज़ के बारे में तो इसका नाम है हसरत 2022 में से रिलीज़ कराया गया था और पहली बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इसे जो है फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर आपको जो कुछ भी दिखाया गया है इसे अगर आप अकेले देख लीजिए तो ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है हालांकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप अगर इसे देखेंगे तो आप समझ जाएँगे अब यहाँ पर बात करते हैं कि हम इसे हिंदी में कहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसका जो एक सीज़न है वो अवेलेबल है और आप इसे देख सकते हैं हंगामा प्ले ऐप पे जाके जी हाँ आपने सही सुना ये जो है आपको मिलेगा हंगामा प्ले ऐप पे जहाँ पर आप इसे बेहद ही अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं और अच्छी बात यह है कि आप इसके कुछ एपिसोड फ्री में देख पाए पर इसके बाद आपके पास प्रीमियम प्लान होना ज़रूरी है फिर आप उसे जो है एक्सेस कर पाएंगे तो अभी जाइए हंगामा प्ले ऐप पे वहाँ पर जाकर इस कमाल के शो को देखिए ये आपको कैसा लगता है फिर आप मुझे बताइए जो लिड काफ्ट इसके अंदर आपको शिल्पा तुसलाकर अदा खान क्रिश्ता मुखर्जी बीन राना सना सैयद मोनालिसा रवि भाटिया सुनील भार्गव आयुष आनंद सिद्धार्थ शर्मा साहिल उपल बेशक आप में से बहुत लोग इनके बारे में नहीं जानते होंगे क्योंकि यहाँ पर जो तो कास्टिंग है वो एकदम नई है इससे पहले इसका यूट्यूब पर एक ट्रेलर भी अवेलेबल है अगर आप देखना चाहें तो उसे भी देख सकते हैं फिर आप लोग पूरी सीरीज को देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर हम बात करें मूवी के बारे में या फिर सीरीज़ के बारे में तो दोस्तों अगर आप इसके जो सभी जो पार्ट से अगर आप इन्हें मार्च पे कर लेंगे तो इसका रन टाइम भी लगभग एक मूवी के समान है हालांकि इसके बहुत सारे एपिसोड अवेलेबल हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये आपको मिल जाएंगे जैसे कि हंगामा प्ले ऐप पर भी है जी फाइव भी है आप दोनों जगह से देख सकते हैं और हो सकता है कि दोनों अलग अलग, अलग निकले या फिर एक ही हो खैर मैंने इसे पूरा नहीं देखा है मैं आपको कुछ यहाँ पर मोटी मोटी बातें इसके बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि दोस्तों इस नाम से बहुत सारी जो है वो फ़िल्में भी उपलब्ध है और कुछ मूवीज़ भी आपको देखने को मिल जाएंगी हालांकि इसके रिव्यू दोस्तों मिक्स आए थे जो आईएमडीबी है वहां पर भी इसे एक एवरेज स्कोर मिला हुआ है और ऐसे दोस्तों बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल हैं पर हम अभी इसके जो है वो कुछ एपिसोड के बारे में बात करेंगे और ऐसी एक मूवी भी उपलब्ध है आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं हालांकि जो जी फाइव अवेलेबल है वो कोई और सीरीज़ है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो जो हंगामा प्ले ऐप है वहाँ पर देखिए तो आपको शायद ये ओरिजिनल देखने को मिले इसके अंदर लगभग आपको पाँच एपिसोड देखने को मिलेंगे और इसका एक ही सीजन अवेलेबल है बाकी जो हसरत है उसके नाम से कुछ और सीरीज़ भी उपलब्ध है आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं पर वो मुझे लगता नहीं कि आप उन्हें देखेंगे क्योंकि आप कुछ और देखना चाहते हैं जो कि मैं समझ चुका हूँ अब बात करते हैं आगे इसके कुछ रिव्यूज़ के बारे में और कहानी के बारे में कि कहानी यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलती है तो हालांकि आपने बहुत सारे ऐसे सीरीज़ देखे होगी जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हैं जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है या फिर कुछ आपको दिखाया जाता है तो इसके एपिसोड बहुत ही अच्छे हैं कुछ एपिसोड ऐसे हैं जो आपको बोर नहीं कराएंगे और आप अगर इसे जो देखने बैठेंगे तो ये आपको इतना बोर नहीं कराती है काफ्टिंग भी इसकी ज़बरदस्त है और जो कहानी भी इसके चलती रहती है वो अच्छी है ऐसा नहीं कि आपको हर एपिसोड के अंदर कुछ नया देखने को मिले लगभग एपिसोड के अंदर आपको कहानी वहाँ से देखने को मिलती जहाँ से एंड हो गई थी खैर इसे तो आप अभी के लिए हंगामा प्लेट पे देख सकते हैं यूट्यूब पर यह आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि दोस्त इसके वजह शायद आप लोग जानते ही हैं कि जो ये प्लेटफॉर्म है हंगामा यूट्यूब पर इसे जो है वो रिलीज़ नहीं करेंगे जो इसकी दोस्तों जो लीड कहानी इसके अंदर आपको ये दिखाया है कि हसरत एक संकलन है जो पांच वास्तविक महिलाओं के जीवन का पता लगाते हैं जो अपनी कामुकता और इच्छा को पता करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं अब वक्त है क्यों वो तो आपको आगे ही मालूम पड़ेगा पर फ़िलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पर जो आपको कहानी दिखाई जाती है वो अच्छी है फिर यहाँ पर होता यू हो है कि इनकी जो इच्छा पता लगाने के लिए वो पुरुषवादी वर्जना के सब बंधनों को तोड़ती है और बस कुछ क्षणों के जो सच्चे जुनून का अनुभव करने के लिए वे समाज परिवार और उनके जीवन को प्रभावित करने और अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न सभी बाधाओं को चुनौतियाँ का सामना करती हैं और उनके लिए तैयारी भी होती है दोस्तों जो हर इंसान है उसकी कहानी अलग होती है और उनकी पसंद भी अलग होती है यहाँ पर आपको जो एपिसोड देखने को मिलते हैं इनमें से अलग अलग नाम यहाँ पे दिए गए हैं वैसे सभी एपिसोड आपको वहीं पर मिल जाएंगे जहाँ पर मैंने आपको कहा है लगभग पाँच एपिसोड यहाँ पर अवेलेबल है और ये जो है अगर आप मार्च करेंगे तो मूवी का जितना रन टाइम हो जाएगा जो पहला एपिसोड है इसका नाम यहाँ पे दिया गया था सरारत बाई दूसरे यहाँ पर इज्जत के नाम से है तीसरा यहाँ पे खिलौना चौथा प्लंबर और एक लाफ्ट वाला शादी मुबारक पर इनमें से सबसे अच्छा जो एपिसोड मुझे लगा था वो ये लगा था शादी मुबारक वाला जो बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर आपको हर एपिसोड के अंदर एक नई कहानी देखने को मिलेंगी तो इस कमाल की जो सीरीज़ है इसे अगर, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार आप इसे देख सकते हैं ये आपको दोस्तों हंगामा प्ले ऐप पर मिलेंगी जहाँ पर आप इसे देख सकते हैं जो इसका पाँचवा जो एपिसोड है इसके अंदर आपको यही दिखाया गया है जो यहाँ पर जो लीड कास्ट है हर एपिसोड आपको जो एक नई काफी देखने को मिलती है और यहाँ पर भी जो है वो पाँचवा जो एपिसोड है जो कि सबसे फेमस है और लोग जो जो खूब पसंद किए थे तो वहाँ लेड क्राफ्ट होती है इसका नाम आरती होता है और वो एक आदर्श भारतीय लड़की है और करते हुए निष्ठ बेटी भी है लेकिन उनकी कुछ यहाँ पर जो है वो वह अनगही इच्छाएँ भी होती है जो उनके दोस्तों की शरारती बातों और कॉलेज की बस यात्राओं के दौरान एक मुख्य प्रसंग मयंक दैनिक ध्यान से प्रेरित होती है और हालांकि दोस्तों हर किसी की पसंद अलग होती है आप इस मूवी को देखेंगे तो समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ दोस्तों इस कमाल की मूवी को देखिए ये आपको कैसे लगती है मुझे बताइए फिलहाल ये आपको हंगामा प्ले ऐप पे मिल जाएंगे इसके पाँच एपिसोड अवेलेबल हैं और इसके जो वन मंथ की सब्सक्रिप्शन है वो आपको नाइन्टी रुपीज़ की बढ़ेंगी मतलब लगभग सौ रुपये की